गुड मॉर्निंग नमस्कार जय हिंद जय भारत जोहार झारखंड कैसे हैं दोस्तों आप लोग क्या हाल चाल है जोहार अंकिता जोहार प्रकाश छोटे पाल शर्मा जी जोहार सर टाइमिंग भूल गए हैं बिल्कुल नहीं भूल गए हैं दान सिंह चाल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जनाब क्या हाल चाल है आप लोगों का टाइमिंग नहीं भूल गए चलिए हम लोग यहाँ से चालू कर लेंगे अब आज लगातार तीन घंटे है ना पूरा तंदुरुस्त होके तैयार हो आना था तो और बताइए कैसे है दस बीस सेकंड बात कर लिया जाए उसके बाद हम लोग एक मैराथन की ओर चलेंगे जो कि लगातार तीन घंटे चलेगा और बहुत सारे सवाल है यहाँ पे तो जितने भी बंधु उपस्थित हैं जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिएटे अपना प्रजेंटेशन दर्ज कीजिए उसके बाद हम लोग यहाँ से कंटिन्यूस लेकर चलते हैं सेशन को क्या हाल है आप लोगों का जैसा कि एक्सटेंशन तो मिल गया है डेट में लेकिन मुझे आशा है कि आप लोगों में कोई भी बाकी नहीं रहा होगा फॉर्म फिलअप करने से कोई बाकी है क्या कोई बाकी नहीं रहा होगा बाकी रहना भी नहीं चाहिए रिटू प्रणा गुड मॉर्निंग ऑल गुड अंकिता वेरी गुड ऑल गुड देन एवरी इज़ गुड ऑल इज़ वेल है ना चलिए तो ये जो है एक तस्वीर है जनजातियों की जो शिकार कर लेते थे कभी बाघ का भी कभी सियार का भी ये मानव है दोस्त इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रकाश राव सर आप तो ठीक है ना हम ठीक है बिल्कुल सही है पूजा श्री ठीक है सर चलिए बहुत बढ़िया आप लोग ठीक है तो यही तो अच्छी बात है ठीक है चलिए तो अब जो है नहीं चलिए कोई बाकी नहीं है सभी लोग फॉर्म फिलअप कर लिए हैं चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसमें एक लाइन लिखा हुआ है मैंने एक लाइन कहीं पे देखा था कि अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है बहुत गहरी बात है इसमें बहुत गहरी बात है हम अक्सर भीड़ में ही रहना पसंद करते हैं भीड़ का मतलब जो लोग बहुत लोग करना चाह रहे हैं हम भी वही करना चाहते हैं बहुत लोगों के साथ जो है वो हम भी हम मतलब कि स्ट्रेंथ मिलता है सब वहाँ पे देखिए बारिश हुआ चाहे कुछ भी हुआ तो जहाँ सभी लोग छिपे रहते हैं हम वहीं छिपना चाहते हैं अकेले नहीं रहना चाहते क्यों भैया साहस नहीं होता है जंगल से जाना है रास्ते से जाना है अंधेरे में जाना है तो लोगों को भीड़ चाहिए हमें क्यों चाहिए साहस मिलता है उससे लेकिन बात साहस तो है लेकिन उस जनरलाइज हो जाता है फिर जो हार हैलो अंड क्लासेस कहाँ से हो रहा है सुबोध सर क्लासेस जो हो रहा है ये गुरुग्राम से हो रहा है झारखंड अड्डा ट्वेंटी फ़ोर से उनके बुलास फिर पहली क्लास है कोई बात नहीं पहली क्लास है तो बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए यहाँ से अपने सिलेक्शन तक चलिए तो आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए ठीक है लाइक like एंड बिल्कुल सही है लाइक एंड शेयर कर दीजिए और यहाँ से सेशन हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो अब बात यह भी है ना कि इसका कई तरह से मीनिंग अपने अपने हिसाब से लोग ले सकते हैं कि भैया अलग रहना चाहते तो बिल्कुल इसका मतलब यह नहीं कि कल से जो है ना घर में अलग बैठना चालू कर दीजिए है ना किसी कोने में पकड़ के घर वाले से बातें ना कीजिए दोस्तों से बातें नहीं कीजिए नहीं होता यूनिकनेस जो होना चाहिए ना यूनिक वगैरह जो बनना है आपको तो अपनी कार्य पद्धति में कीजिए कुछ यूनिक नया एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए कुछ काम कीजिए पढ़ाई लिखाई के तरीके में कीजिए ठीक है एलोन रहना सही नहीं है एलोन रहना बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि हम सामाजिक है और सामाजिक है तो समाज में ही रहना पड़ेगा हमें हम जानवर नहीं हैं कि अपने खाने पीने रहने से मतलब रखते हैं हम हम जो है ना हर तरह से इमोशन से भी जुड़े हुए हैं तो चलिए ये जो है ये सारे फ़ीचर्स है आपके ये सारे फ़ीचर्स है अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो ये सारे फ़ीचर्स आपका अवेलेबल है स्टडी मटेरियल कम्युनिटी पे करंट अफेयर जॉब अलर्ट्स डेली बेसिस पे क्यूज सब्जेक्ट वाइज क्यूज मैगजीन पावर कैप्सूल नोट्स आर्टिकल वीडियोज ये सारे चीज़ आप लोगों को ऐप पर अवेलेबल है आप अड्डा का ऐप अगर डाउनलोड कर लिए तो अब हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए ज़्यादा ना सोशल ना अन्नाजादा सुसलह हाँ, दिस इज़ द राइट आंसर बिल्कुल हमारे कुछ वकील दोस्त हैं जो हाई कोर्ट में झारखंड में भी और लोग उन लोगों से सीनियर है वह दोस्त क्या सीनियर है काफ़ी सीनियर वो लो लोग बताते हैं कि जब जज रिटायर होता है ना ज़्यादा दिन नहीं जी पाता है क्योंकि वही पूरा ज़िंदगी जो है ना सोसाइटी से कट कर आना पड़ता है उसको और वो आदत जो है उसको भारी पड़ जाती है रिटायरमेंट के बाद और मजबूरी भी है जॉब का नेचर ही वैसा चलिए झारखंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑफिस ऑफ़ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिल्क इन इंडिया किस तरह का सिल्क का सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में होता है जल्दी से आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए शुरुआत में तो ये करना ही पड़ेगा थोड़ा सा लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपकी झारखंड की टीम जो है थोड़ा सा एक्सपैंड कर सके हाँ चलिए जल्दी से तो यहाँ पे जवाब क्या होगा झारखंड में बताइए किस तरह का सिल्क का उत्पादन ज़्यादा होता है तो झारखंड में है ना मंगा सिल्क ईरी सिल्क फगरा सिल्क तसर सिल्क तो तसर सिल्क का उत्पादन झारखंड में ज़्यादा होता है है ना तसर टाइप का जो सिल्क होता है उसका उत्पादन झारखंड में ज़्यादा होता है बिल्कुल सही है है ना सरायकेला में तसर सिल्क होता है बिल्कुल हाँ तो तो कुल मिला के भी तसर सिल्क का उत्पादन ज़्यादा होता है थोड़ा सा चलिए तो ये हम लोग देख लिए अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है तो अगला सवाल क्या है पढ़िए जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्रियां या उप उत्पाद को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था तो आदिवासियों के द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था कौन सा अधिनियम का विरोध किया गया था इंडियन रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट 1888, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन बिल्स ऑफ द लैंडिंग एक्ट 1856, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 कौन सा होगा तो यहां पर जो होगा कौन सा होगा जल्दी से बताइए तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 में जो है ना जितने भी वन कर्मी थे जनजातीय थे उसको जंगल के प्रोडक्ट को कलेक्ट करने से रोक लगा दिया गया था तो इसका काफी विरोध कर रहे थे काफी आंदोलन वगैरह कर रहे थे इसमें ठीक है काफी विरोध काफी आंदोलन वगैरह यहां पर किया जा रहा था ठीक है चलिए हम्म अब आगे अगला सवाल ले लेते हैं डी इज़ द राइट आंसर डी इज द राइट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 अगला सवाल ले लेते हैं क्या है व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द झारखंड पार्टी विच वाज फॉर्मड इन 1949 1949 में जो फॉर्म किया गया था कौन सा पार्टी था वो कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी महासंघ भारतीय समता पार्टी कौन सा पार्टी था जल्दी से जल्दी बताएंगे हाँ जी जल्दी जल्दी बताइए इसका जवाब जल्दी जल्दी दीजिए क्या होगा जवाब क्या हो सकता है जवाब जल्दी से जवाब दीजिए तो उसका उस पार्टी का नाम जो था आपका आदिवासी महासभा इधर आयट आंसर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गोविंद भारती गुड मॉर्निंग ठीक है आदिवासी महासभा था यह ध्यान रखिएगा 1949 में जो है ना जस्ट आज़ादी के बाद ये पार्टी बनी थी उसी समय से झारखंड का डिमांड कर रहा था कि भैया हमारा कल्चर अलग है बिहारियों के साथ हम नहीं रहना चाहते हैं ठीक है तो ये सी इज़ द राइट आंसर सी इज़ द राइट आंसर आदिवासी महासभा अगला सवाल ले लेते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आपका वर्तमान में जो है हेमंत सोरेन इसी से बना हुआ है क्या चीफ मिनिस्टर अगला सवाल यह है कि वेयर वॉज दीपिका कुमारी हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स सिंगल रिकर्वेंट टू थाउजेंड टेन कॉमनवेल्थ गेम्स बॉर्न दीपिका कुमारी जो है उसके बारे में आपको पता ही होगा क्या चीज़ से भैया क्या चीज़ से संबंधित हो है ना तीरंदाजी से है ना आर्ची से संबंधित है तो ये बताइए 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसका जन्म कहाँ हुआ है गोल्ड मेडल वुमेन सिंगल्स रिकर्वेंट टू थाउजेंड टेन कॉमनवेल्थ बॉल कहाँ जन्म हुआ उसका दीपिका कुमारी का जन्म तो दीपिका कुमारी का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था जल्दी बताओ तो अपने राजधानी में ही हुई थी है ना राजधानी में ही हुई थी तो रांची था राइट हैंड जन्म स्थान क्या है दीपिका कुमारी का तो रांची है क्वेश्चन इस तरह हो सकता है नहीं पूछेगा दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है फेमस हो चुकी है ठीक है फिर भी लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा ठीक है अगला सवाल वॉट इज द नेम ऑफ द बुक रिटर्न बाय इंडियन नॉवेलिस्ट तुहिन सिन्हा फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड जल्दी से बताइए तुहीन सिन्हा जो जमशेदपुर के राइटर है कौन सा बुक लिखा था बुक का नाम क्या था जल्दी से बताइए व्हाट इज द बुक नेम ऑफ बुक क्या हो सकता है प्राइड ऑफ द प्रिजूडिस Five point someone, India wins freedom and क्या होगा जल्दी से जल्दी बताएंगे तो यहां पे होगा आपका द एज ऑफ पावर क्या होगा द एज ऑफ पावर इज दी इज द राइट आंसर जिसका जिसका जवाब सी है वो सभी का जवाब बिल्कुल सही है जिसका जिसका, जिसका जवाब सी है है नहीं नहीं, नहीं 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 सी नहीं है डी डी जिसका जवाब द एज ऑफ पावर डी में है द एज ऑफ पावर किसके द्वारा लिखा गया है ये तुहिन शर्मा के द्वारा लिखा गया है जमशेदपुर का राइटर है ये तुहिन शर्मा ठीक है तुहिन सिन्हा तुहिन सिन्हा जमशेदपुर का राइटर है द एज ऑफ पावर इसी के द्वारा लिखा गया ठीक है फटाफट देख लीजिए हूँ गुड मॉर्निंग बॉबी गुड मॉर्निंग चलिए अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हैज मेनी डिविजन स्प्रेड एकरोस डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई इट्स इस्टेब्लिश्ड यूनिट इन झारखंड बताइए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो यूनिट झारखंड में कहाँ पे है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बहुत सारा डिवीज़न है इंडिया में झारखंड में कौन सा है मा, मालान मालांझंड कॉपर प्रोजेक्ट इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स तलेजा कॉपर प्रोजेक्ट खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा झारखंड में आपका कौन सा है इंडिया विंस फ्रीडम तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखे थे ना भैया इंडिया विंस फ्रीडम दूसरा है ये झारखंड के है भाई दूसरा है क्या क्वेश्चन है आप सुनिए आप यहाँ सवाल देख लीजिए इंडिया हाँ इंडिया विंस फ्रीडम की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे तो हिंद सिन्हा का तो आपका रेज ऑफ पावर हाँ इंडिया विंस फ्रीडम सही है अगला सही है इसका जवाब दीजिए इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है आपके नहीं खेतड़ी नी नहीं, नहीं। इंडियन फी कॉपर प्रोजेक्ट इंडियन कॉपर प्रोजेक्ट जो है बीज द राइट आंसर है ना ये आपका यहाँ पे जो है झारखंड में यही है इसका यूनिट बी इज द राइट आंसर अगला सवाल इन 2017 जो जोवा मुर्मू वी won द चिल्ड्रेन लिटरेचर अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क रिटेन वर्क रिटेन इन संथाली संथाली में क्या लिखा गया था तो उसके हम्म जोबा मुर्मू संथाली में कोई संलेख लिखा था बाल साहित्य तो पुरस्कार जीता जिसमें कौन सा था जल्दी से जल्दी बताएंगे हाँ तो हाँ ओलोन बहा ओलोन बहा बिल्कुल लिटरेचर का नाम क्या है ओलोन बहा ठीक है ओलोन बहा इन्होंने लिखा था किसने लिखा था जोबा मुर्मू अच्छा एक जोबा मांझी भी है नाम सुने है क्या जोबा मांझी है आप लोग नाम सुने जोबा मांझी का जोबा मांझी मंत्र मंत्रिपरिषद में भी रही अभी मंत्रालय में भी थी है ना वो क्या हुआ वो मतलब उसका बैकग्राउंड अगर आप देखिएगा तो उसका बैकग्राउंड जो है ना एक सब्ज़ी बेचने से बाज़ार में बैठकर सब्जी बेचने से लेके वर्तमान तक मंत्रालय तक है सोच लीजिए कितना कितने परिवर्तन एक इंसान के जीवन में आ सकता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है कितने परिवर्तन एक इंसान के जीवन में आ सकता है वो जो मनोहरपुर नाम सुने होंगे ना मनोहरपुर उनसे मिला भी हूँ अच्छा मिले भी है अच्छा कब मिले भाई चलिए बहुत अच्छा हालांकि लेकिन बहुत पोलाइट है मैंने जहाँ तक सुना है मैं मिला तो नहीं हूँ मैं तो नहीं मिला हूँ लेकिन पोलाइट है ये तो मैं सुना हूँ ठीक है और बताइए यहाँ पे इसका जोवा मांझी के अलावा अभी अभी हेल्थ मिनिस्टर कौन है जी यहाँ पे झारखंड में हेल्थ मिनिस्टर कौन है आपके झारखंड में हेल्थ मिनिस्टर कौन है जल्दी से बताइए महिला बाल विकास मंत्री ठीक है अभी हेल्थ मिनिस्टर कौन है झारखंड में हेल्थ मिनिस्टर किसके पास है चलिए तो ये ओलोन बाहा किसके द्वारा लिखा गया है ओलोन बहा लिखा गया किसके द्वारा भैया जोबा मुर्मू के द्वारा अगला सवाल ले लीजिए अगला सवाल क्या है अगला सवाल क्या है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एंड और वर्शिप ऑफ बुद्धा बाबा ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर सीजन इन तमाम रीजन ऑफ झारखंड तमाड़ तमाड़ किसका क्षेत्र है तो आपका समझ लीजिए शिव सोरेन जी का क्षेत्र है, है ना हाँ जगन्नाथ महतो की वाइफ है अच्छा शिक्षा मंत्री पूछ रहा था ना मैं शिक्षा मंत्री पूछ रहा था मैं पूछ रहा था आपके हेल्थ मिनिस्टर पूछा अच्छा शिक्षा मंत्री भी पूछा होगा हो सकता है हेल्थ मिनिस्टर कौन है अभी बन्ना गुप्ता अभी हाल में विवाद में फंस गया था बन्ना गुप्ता सुन रहे हैं कुछ ऑडियो वीडियो के चक्कर में विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड और वर्शिप बुढ़ा बाबा ड्यूरिंग है ना बूढ़ा बाबा कौन सा मनाया बूढ़ा बाबा की पूजा के लिए कौन सा फस्ट मौस किस गर्मी के बसंत और गर्मी मौसम के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है तमाड़ क्षेत्र में तमाड़ शिव सोरेन का एरिया भी रहा है तमाड़ है ना तो बताइए कौन सा पर्व मनाया जाता है दूस पर्व जनी शिकार भक्ता पर्व जावा पर्व हाँ वही तो मैं कहा बन्ना गुप्ता हेल्थ मिनिस्टर है सही है हाँ ठीक है तो यहाँ पे जो है आपको कौन सा पर्व मनाया जाता है बूढ़ा बाबा ड्यूरिंग द सेलिब्रेट ड्यूरिंग द तमर तमार रीजन में तो यह है आपका भगता पर्व है ना भक्ता पर्व है भक्ता पर्व मनाया जाता है तमार रीजन में इस सीजन में जो आपको बताया जा रहा है ठीक है स्प्रिंग और समर में अगला सवाल यह है कि विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन राहाव और राव है ना रहा और 1931 थर्टी वन विच कंट्रीब्यूटेड टू फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया रहा उराव अच्छा यहाँ पे ठेबले उराव लिख रहा है किस संगठन की स्थापना किया जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जो है योगदान था उराव ही है यहाँ पे ठेबले उराव जो है नाम सुने होंगे आप उराव किस संगठन की स्थापना किया जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान भी दिया नाइनटीन की बात है हाँ बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे आप लोगों का तो ये है आप कौन सा सभा किसान सभा का गठन किया किसके द्वारा ठेबले उराव ने क्या गठन किया किसान सभा का गठन किया था ठीक है तो डी इज द राइट आंसर डी इज वेरी राइट आंसर अगला सवाल लेके चलते हैं अगला सवाल क्या है अंडर वर्ड कम्स प्रधानमंत्री आवास योजना इन रांची प्रधानमंत्री आवास योजना जो है रांची के तहत क्या आता है रांची हेल्थ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रांची डिपार्टमेंट डेवलपमेंट रांची म्यूनिस्िपल अथॉरिटी रांची टूरिज्म डिपार्टमेंट कौन सा आएगा बताओ हेल्थ डिपार्टमेंट रांची डेवलपमेंट रांची म्यूनिस्िपल अथॉरिटी रांची टूरिज्म डिपार्टमेंट क्या आएगा जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसके अंतर्गत आएगा ठीक है चलिए तो यहाँ पे जो होगा आपका जवाब होगा म्यूनिसिपल अथॉरिटी के तहत जो है प्रधानमंत्री आवास योजना है रांची में रांची की टाउनशिप की बात कर रहा है ना तो इसके तहत जो है बहुत सारे आवास देने की बात की गई है चलिए अगला सवाल ले लेते हैं हाँ यहाँ पे क्लियर है ना कोई दिक्कत तो नहीं ये ध्यान रखेंगे अगला सवाल ले लेते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या है अगला सवाल क्या है द ई ओ सी इज ऑपरेशनल इन स्टेट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ द स्टेट अंडर द एजीज ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ़ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई ओ सी है न झारखंड सरकार के गृह विभाग के संरक्षण के अंतर्गत राज्य और राज्य के सभी जिले में ई ओ सी लागू है चालू है ई ओ सी का पूर्ण रूप क्या है ई ओ सी का पूरा रूप क्या होगा ई सी का पूरा रूप क्या होगा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सेंटर इम्प्लॉयमेंट ऑफरिंग सेंटर या इंटरटेनमेंट ऑब्जेक्टिव सेंटर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए आप जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सेंटर एम्प्लॉयमेंट ऑफरिंग सेंटर इंटरटेनमेंट ऑब्जेक्टिव सेंटर क्या होगा तो ये जो होगा जो आपका होगा ये इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होगा आपका झारखंड गवर्नमेंट का जो है ई ऑपरेशन ऑपरेशनल इन स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट तो इमरजेंसी ऑपरेशनल सेंटर होगा ठीक है राइट आंसर हु सेड बी और सी इमरजेंसी स्टेट सेंटर ठीक है ऑपरेशन सेंटर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन यह है कि तांत्री और मल्हार कम्युनिटी ऑफ झारखंड आर एसोसिएटेड विच टाइप ऑफ क्राफ्ट झारखंड के तंत्री और मल्हार समुदाय किस प्रकार के शिल्प कला से जुड़े हुए हैं जल्दी से जवाब दीजिएगा हम्म तांत्री और मल्हार समुदाय किस तंत्री और मल्हार समुदाय किस प्रकार के कला से जुड़े हुए हैं किस कला से बताइए एक मेकिंग मेकिंग, बताइए तंत्री और मल्हार मल्हार कृषि में भी हम पारंगत थे हम्म जल्दी से जवाब देंगे इसका हम्म तो दिया इज आंसर व्हाट इज आंसर तो यहाँ पे आपका जो है मेटल वर्क में तंत्री और मल्हार जो है ना मेटल वर्क में एसोसिएटेड है क्राफ्टिंग मेटल वर्क से काफी ये जो है आपके संबंधित है ठीक है चलिए अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है हाँ अगला सवाल क्या है अगला सवाल झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति 2016 और औद्योगिक पार्क नीति के तहत महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है कौन सा गलत होगा यहाँ पे क्वेश्चन है परियोजना लागत प्रोजेक्ट कास्ट का पचास प्रतिशत के साथ औद्योगिक पार्क के लिए दस करोड़ रुपये तक सीमा है क्षेत्र विशिष्ट पार्कों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर सात करोड़ रुपये की सीमा के साथ लागत का पचास प्रतिशत व्यापक परियोजना निवेश सब्सिडी एट द रेट ट्वेंटी परसेंट फिक्स्ड कैपिटा परियोजना लागत प्रोजेक्ट का अधिकतम तीन करोड़ रुपया पर 35 से 45 प्रतिशत तक का अनुदान सहायता तो कौन सा होगा यहाँ पे क्या है ऑप्शन क्वेश्चन में तो यहाँ पे जो है आपका झारखंड औद्योगिक और, और निवेश संवर्धन नीति 2016 के औद्योगिक पार्क की बात कर औद्योगिक पार्क मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात कर रही है तो महत्वपूर्ण नीतिगत पहल के संबंध में जो है बात है कि परियोजना लागत में जो है अधिकतम तीन करोड़ रुपये पर पैंतीस से 45 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा ठीक है अनुदान देने की बात की गई है तो यहाँ पे आपका डी इज द राइट आंसर डी इज द वेरी राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है अगला सवाल ये है कि जे पी पी वॉज इस्टेब्लिश इन नाइनटीन नाइन्टी फोर हुज प्रेसिडेंट वॉज डॉक्टर राम दयाल मुंडा जनरल सेक्रेटरी सुरेश सिंह बेसरा द जेपीपी रिप्रेजेंट जेपीपी क्या है जेपीपी का फुल फॉर्म क्या होगा जल्दी से बताइए गुड मॉर्निंग आदित्य बारी गुड मॉर्निंग जल्दी से बताएंगे जेपीपी वट डू मीन बाई जेपीपी जोहार पब्लिक पार्टी झारखंड पीपुल्स पार्टी जोहार पब्लिक पार्टी झारखंड पीपुल्स पार्टी झारखंड पब्लिक पार्टी जोहार पीपुल्स पार्टी क्या होगा जल्दी जल्दी बताएंगे अच्छा कौन सा गलत है पूछ रहा है तो ये होगा झारखंड पीपुल्स पार्टी झारखंड पीपुल्स पार्टी झारखंड पीपुल्स पार्टी, पार्टी. चलिए तो ये तो हो गया आपका झारखंड पीपुल्स पार्टी बिल्कुल सही है हाँ कौन सा गलत है इसी के बारे में ठीक 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 पूजा थैंक यू इसका जो है फैक्ट वाली बात है ना उसको थोड़ा सा याद कर लेना इसकी बात है ठीक है डी डी को बताया बाकी जब प्रोजेक्ट लगे पचास प्रतिशत औद्योगिक पार्क के लिए दस करोड़ रुपये तक का सीमा है सही है ये ठीक है विशिष्ट पार्कों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर सात करोड़ की सीमा तो ये जो है ना ये डेटा वाला है ये आप लोगों को पढ़ लेना होगा और क्या गलत है वो ठीक थी, ठीक है बिल्कुल डेटा वाला है उसको थोड़ा सा इस तरह तो जेपी कौन सा हो गया झारखंड पीपुल्स पार्टी बहुत सही अगला सवाल विच सिटी ऑफ झारखंड इज़ कॉल्ड टाटा नगर कौन सा शहर को टाटा नगर बोलते हैं विच सिटी ऑफ झारखंड इज कॉल्ड नगर देवघर धनबाद जमशेदपुर हजारीबाग देवघर धनबाद जमशेदपुर हजारीबाग तो जमशेदपुर आप सभी को पता होगा है ना जमशेदपुर को ही टाटा नगर कहते हैं जमशेद जी के नाम पे, जमशेद जी ईरानी के नाम पे जो है ये शहर का बसा शहर बसा हुआ था ठीक है हाँ जी हाँ जी जमशेदपुर बहुत सही हु द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन एज ऑन सेप्टेंबर टू सितंबर 2017 को जो बोला गया है झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष निम्न में से कौन है 2017 तक की बात कर रहा पुरानी क्वेश्चन है थोड़ा सा हाँ जी तो ये क्या होगा इसका जवाब तो ये होगा आपका सुनील कुमार है ना बरनवाल सुनील कुमार बर्नवाल इज द राइट आंसर सुनील कुमार बर्नवाल इज़ वेरी राइट आंसर ठीक है अगला सवाल ले लेते हैं यही चेयरमैन यहाँ पे जो है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो है चेयरमैन बनाए गए थे दो तक सही है चलिए ठीक है ए इज़ द राइट आंसर अगला सवाल ले लेते हैं अगला जवाब ए बिल्कुल सही है बिल्कुल अंकिता छोटेपाल ऋषि कुमार पूजा ए बिल्कुल सही है सही है संजीत सुबोध सभी लोगों का सही है वेयर वॉज एक्ट्रेस सिमोन सिंह अभिनेत्री सिमोन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था जिसने हिंदी फीचर फिल्म कल हो ना हो में अभिनय किया और टेलीविजन शो हीना में अग्रणी भूमिका निभाई जल्दी बताइए कल हो ना हो एंड प्लेड एयर लीडिंग रोल इन द टेलीविजन शो हीना टेलीविजन शो हीना में जो है और कल हो ना हो फिल्म में भी रहिए कहां जन्म हुआ है किसकी बात कर रहे हैं सिमोन सिंह पता है क्या पता है जमशेदपुर 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग तो ये जमशेदपुर इज द राइट आंसर जमशेदपुर बताया जा रहा है बुक जो है उसमें जमशेदपुर है है ना प्रियंका चोपड़ा का भी जमशेदपुर है इसका भी जमशेदपुर बुरा बोकारो कन्फर्म है आप लोग हंड्रेड परसेंट एक बार चेक कर लेंगे तब इसको ठीक है ना जहाँ तक जो है जो बुक में मुझे मिला ये जमशेदपुर बताया जा रहा है एक बार क्रॉस चेक करके बताइए तो मुझे थोड़ा सा अगर ऐसा बात है तो सिंदरी यूनिट धनबाद में जो है सिंदरी में जो है सिंदरी यूनिट फेमस फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स नियर धनबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ बीच रिवर सिंदरी जो कंपनी है फैक्ट्री है धनबाद में कल होना हो कल तो होगा ही नहीं डाउट खुद तो लोगों में है अच्छा बोकारो है किरण प्राइवेट बुक में बोकारो दिया है अच्छा ठीक है मनीष रंजन की बुक में देख लेना एक एक और ये उड़ान में देख लेना एक बार बता देना मुझे ठीक है चलिए अंकिता जमशेदपुर दिया हुआ है ना देखिए मैं बोल ही रहा था जमशेदपुर ए होगा आप लोग लगातार जब गलती करते तो मुझे लगता है कि जो बुक में लिख दिया वो गलत लिख दिया क्या ऐसा क्योंकि हम लोग का सोर्स तो बुक ही है ना है ना शिमोनू के घर तो हम नहीं गए थे चाहे प्रियंका चोपड़ा से मिलने तो नहीं गई कहाँ जन्म ली थी बता दो भाई जो आपको बुक में हमें मिलेगा हम लोग उसी को फॉलो करेंगे हाँ ये कर सकते हैं दो तीन बुक का क्रॉस चेक करते हैं बस यही करते हैं तो ये क्या है दामोदर नदी सिंदरी जो है धनबाद का ठीक है वो कंपनी द यूनिट ऑफ फेमस फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स नियर धनबाद सिचुएटेड ऑन पे तो आपका दामोदर नदी के किनारे बिल्कुल दामोदर इज द राइट आंसर अगला सवाल ले लेते हैं मियांग चांग इज एन इंडियन एक्टर टेलीविजन होस्ट एंड सिंगर फ्रॉम झारखंड वेयर वॉज ही वर्न मियांग चांग जो है कहाँ का है बताओ मियांग चांग इंडियन एक्टर है टेलीविजन होस्ट करता है ठीक है ये कहाँ है रांची हजारीबाग धनबाद या देवघर म्यांग चांग मियांग चांग झारखंड एक भारतीय अभिनेता टेलीविजन होस्ट और गायक है उनका जन्म कहाँ हुआ है जल्दी से जवाब देंगे ठीक है जमशेदपुर है ना तब ठीक है तब तो मैं सोच रहा हूं अब बुखार बोल रहा था मैं बिल्कुल बोकारो कैसे हो गया भाई चलिए तो यहाँ पर जो है कहाँ जन्म हुआ है तो ये म्यांग चांग जो है धनबाद का बंदा है कहाँ का ये धनबाद का बंदा है ठीक है धनबाद का बंदा है अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है धनबाद का हो गया चलिए सादरी अंगिका नागपुरी लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड बिलोंग टू विच लैंग्वेज फैमिली कौन सा लैंग्वेज परिवार में क्यों कौन सी भाषा परिवार में आएगा सदरी अंगिका नागपुरी भाषा झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से है मुंडारी लैंग्वेज इंडो आर्यन लैंग्वेज ड्रविडियन लैंग्वेज मुंडा लैंग्वेज जल्दी से जवाब दीजिए इसका जल्दी से जवाब देंगे धनबाद इज द राइट आंसर आई नो इट हाँ जी इंडो आर्यन इंडो आर्यन होगा और लोग जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी बी श्री बी चलिए बहुत सही बहुत सही और कोई हो गया ओके 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 देन इंडो आर्यन इज द राइट आंसर बिल्कुल इंडो आर्यन सही जवाब है इंडो आर्यन बिल्कुल सही जवाब अगला सवाल ले लेते हैं अगला अगला क्या है एम एस धोनी रिसीव्ड प्लेयर ऑफ़ द ईयर अवार्ड इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब वनडे फॉर विच कॉन्सिक्यूटिव ईयर कौन से साल में लगातार जो है ना दो साल लगातार जो है उसे प्लेयर ऑफ़ द ईयर का अवार्ड मिला महेंद्र सिंह धोनी का है ना 2008 हज़ार आठ नौ नौ दस ग्यारह बारह छः सात जल्दी से बताइए इसका जवाब जल्दी से जवाब देंगे इसका महेंद्र सिंह धोनी को कौन कब मिला था जवाब लगातार दो साल देखिए साथ में कुछ अचीव किया था ये बेहतरीन चीज़ अचीव किया था साथ में सोच लो आप क्या हो सकता है उससे पहले मिल गया था अंकिता पूजा उससे पहले मिल गया था आप जो बोल रहे हैं ना उससे पहले मिल गया था आठ नौ में ही जब सात में जो है ना ट्वेंटी ट्वेंटी जीता था या अंडर नाइनटीन जीता था उसके बाद ही चलिए इज द राइट आंसर अगला सवाल ले लीजिए दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन झारखंड इज टेन टू ट्वेंटी किलोमीटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस लोकेट विद इन द डिस्टेंस ऑफ रांची धनबाद जमशेदपुर हजारीबाग ग्यारह में वर्ल्ड कप हुआ था यह सही बात है लेकिन उसके पहले मिल गया था टी के बाद ही मिल गया था उसको पहले प्रूव कर चुका था वो अपने आप को चलिए जल्दी बताइए यहाँ पर दलमा कहाँ पे भैया दलमा जमशेदपुर में है बहुत बढ़िया है ना आइए आप लोग जमशेदपुर में घुमाता हूँ आप लोगों को दलमा घुमाऊँगा अगला सवाल ले लीजिए अगला सवाल क्या है कि हु इज द फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर बोर्न इन जमशेदपुर झारखंड हु मेड ही डायरेक्ट डायरेक्टोरियल डिब्यूट टाइटल सोचा ना था तो अब नया नहीं सोचा था तो तुम्हारी गलती है सोचना चाहिए था हाँ अगला एक तो फिल्म बनाया जा सकता नाटक सोचना चाहिए था ठीक है चलिए एक तो नाम तो मिल गया इस पे कहानी हम लिखते हैं सोचा ना था ये डायरेक्ट किया कौन तपन सिन्हा शेखर कपूर इम्तियाज अली अनुराग कश्यप जल्दी से जवाब देंगे यहां पे हम्म सही जवाब आप लोग का इम्तियाज अली इज द राइट आंसर इम्तियाज अली ने ही इसको ये टाइटल जो है डिब्यूट किया डायरेक्ट किया था सोचा ना था ठीक है चलिए अगला ओनली ट्राइबल लीडर इन झारखंड हुज पोर्ट्रेट इज डिस्प्लेड इन द सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट इन जनजातियों में से कौन जनजाति है जिसका जो है सेंट्रल हॉल में सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में फोटो लगा हुआ है संसद में बात कर रहे हैं विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं हाँ लिखिए 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 बिल्कुल आप सही में एक सोच है लिखिए इसके बारे में तो ये कौन है भैया हाँ बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा इज द राइट आंसर बिरसा ये बी से होना चाहिए था बी से बिरसा है बिरसा मुंडा सीधा द राइट आंसर तो सेंट्रल हॉल में जो है ना बिरसा मुंडा का पार्लियामेंट में जो है इन्हीं का फोटो लगा हुआ है अगला सवाल ले लीजिए विच एनिमल हैज बीन गिवेन द स्टेटस ऑफ स्टेट एनिमल इन झारखंड झारखंड के स्टेट एनिमल कौन से है बताइए झारखंड में स्टेट एनिमल कौन सा होगा कौन सा होगा हां हाथी झारखंड का स्टेट एनिमल क्या है हाथी है अच्छा बगल वाला स्टेट का पूछ लेगा बिहार का स्टेट एनिमल कौन सा है भाई बिहार का स्टेट एनिमल कौन सा होगा बता सकते हैं क्या आपके पड़ोसी राज्य का कौन सा होगा तो बिहार का आपका हो जाएगा बैल क्या हो जाएगा बैल ये तो बच्चा है बच्चा बच्चा भी क्वेश्चन कर देगा कोई बात नहीं बच्चा भी आप लोग बच्चे नहीं है क्या आप लोग अपने आप को बूढ़े समझ रहे हैं क्या बताओ बिहार का कौन है अरे डियर डियर नहीं डियर नहीं एलिफेंट ठीक है बिहार का जो है बैल है अच्छा एक बात बता दीजिए झारखंड का स्टेट बर्ड कौन है और बिहार का स्टेट बर्ड कौन है बर्ड झारखंड का और बिहार का कौन होगा जल्दी से बताइए ठीक है हाँ बैल बैल वो तो बेल लिख दी आदत हो गया बेल लिखने का बैल ऑक्स लिख सकते हैं उसको आप ऑक्स ठीक है तो झारखंड जो है झारखंड का जो है बर्ड के बात कीजिएगा तो कोयल और बिहार का बर्ड का बात की जाए तो गौरैया जो कि अब देखने को नहीं मिलता पहले इतनी गौरैया हुआ करते थे सब गायब हो गया समझ रहे हैं बाप रे इतना सारा हाथी भेज दी हम झारखंड का कोयल और बिहार का जो है सही है चलिए हाँ पूजा ठीक है सही है अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वेन झारखंड बिकम न्यू स्टेट इन टू थाउजेंड हाँ जब पहली बार जो है ना मतलब जब झारखंड अलग हुआ था तो कौन चीफ मिनिस्टर थी बिहार की जल्दी से जवाब दीजिए बाबू रमेश मरांडी जी मोर नहीं है मोर नेशनल बर्ड बोला जा सकता है झार बिहार का बर्ड पूछा था गौरैया झारखंड का बर्ड होगा कोयल ठीक है चलिए रावड़ी देवी रावड़ी देवी उस समय कौन थी मुख्यमंत्री थी बिहार की के आर नारायणन साहब जो ने थे ना के आर नारायणन कौन थे राष्ट्रपति थे याद रखिएगा ना अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो कौन थे तो वो प्रधानमंत्री थे जब झारखंड का गठन हुआ था पंद्रह नवंबर दो हजार को अगला सवाल अगला सवाल ले लेते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट झारखंड इज द एडिक्ट ऑफ अशोका अशोका एट चंदन शाहिद पहाड़ी लोकेटेड चंदन शाहिद पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिला में किस में स्थित है किस में स्थित है पलामू में गुमला में रांची में जामताड़ा में जल्दी से बताइए झारखंड का को कोयल बिहार का गो है बहुत सही है बहुत सही तो यहाँ पे जो है आप बोल सकते हैं रांची इज द राइट आंसर कौन सा रांची चंदन शाहिद पहाड़ी अशोक शिलालेख झारखंड के किस जिले में है तो ये रांची में है ठीक है सही जवाब पलामू होगा रांची होगा ठीक है चंदन शाहिद पहाड़ी अगला सवाल ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स एज परमानेंट स्टेबल कल्टिवेटर चेक कर लेंगे एक बार ठीक है सुनिए झारखंड सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से किसे अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है स्थायी कृषि कृषक के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया बिरहोर कोरबा संथाल महाली जल्दी से बताइएगा कौन सा होगा हाँ तो यहां पर जो है संथाल को जो है ना परमानेंट स्टेबल कल्टिवेटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है ठीक है संथालियों को जनजाति कौन सी जनता अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया भैया तो यह है संथाल संथाली इधर राइट आंसर संथाल इधर राइट आंसर संथाल एरिया कौन सा पड़ता है आपका नॉर्थ ईस्ट के एरिया में पड़ता है छः जिला जो आते हैं उसमें अगला सवाल ले लेते हैं फटाफट अगला सवाल क्या है अगला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन झारखंड नॉर्थ ऑफ हजारीबाग बोस्ट ऑफ रिमिनेंट ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज बुद्धिस्ट हेरिटेज के हिसाब से ठीक है बुद्धिस्ट हेरिटेज क्ला, क्लास में सर ठीक जल्दी से जवाब देंगे इसका हाँ जी एलोवियल सॉइल भी है बिल्कुल सही जवाब जल्दी से यहाँ पर जवाब दीजिए तो यहाँ पूछ के आ रहा है हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करता है कहाँ पे झारखंड के उत्तर में लुम्बिनी सारनाथ कुशनगर इटखोरी यहाँ पे इंग्लिश पर मत जाइएगा यहाँ पर जो है ना इंग्लिश वाला ट्रा देखिए हुआ क्या है ना सुनिए मेरी बात ज़्यादातर बुक जो है झारखंड में जो बिक रहा है ज़्यादा डिमांड भी हिंदी माध्यम के बुक का है वो हिंदी माध्यम का बुक लेके इट फूड नहीं होगा पागल इटखोरी होगा डी डी इट फूड नहीं इट खोरी तो यहाँ पे इट खोरी हो गया अब हुआ क्या है ना ट्रांसलेट हुआ तो गूगल सीधे सीधे ट्रांसलेट कर देगा अब यही समस्या यूपीएससी में थी सी साइड के पेपर के लिए तो इट खोरी द राइट आंसर है ना इज द राइट आंसर सर इटखोरी में बुद्ध इज्म का मिला है ना उसके दीवारों में हर जगह बहुत सारा जगह मिला है अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है ठीक है इट खोरी अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज अनाउंस बाई चीफ मिनिस्टर रघुवर दास इन जून दो हजार सोलह टू अट्रैक्ट रूरल यूथ ब्रिंग अबाउट ग्रीन रिवोल्यूशन इन झारखंड है ना जो है कि अब एक्चुअली एक ये क्वेश्चन अब वैलिडिटी नहीं रह जाएगा उतना क्योंकि ये पुराना हो गया ठीक है लेकिन फिर भी आप अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे क्या होगा देखिए युवाओं को जो है ना आगे बुलाने के लिए झारखंड में हरित क्रांति लाने हेतु ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास जून 2016 में कौन सी योजना घोषित की थी तो जून 2016 में जो योजना घोषित की थी वो कौन सा योजना थी तो वो योजना थी आर्या कौन सा योजना युवाओं को बोला हरित क्रांति के लिए थोड़ा सा ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए लाएगा अगला आर्या, याद रखिएगा दो हज़ार पुराना है संभावना कम है पूछने का ये वाला लेकिन फिर भी ठीक है अगला सवाल विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स इज द डांस ऑफ झारखंड कौन सा इसमें से एक डांस है सत्रिया घुमरा पुलिकाली पाइका कौन सा एक पारंपरिक पर, डांस है जल्दी से बताइए जितने मित्र आप लोग देख रहे हैं उतने एक्चुअली लाइक कर दीजिए और थोड़ा अपने एक दोस्तों में कुछ दोस्तों में अगर शेयर कर देते तो बेहतर होता है जल्दी से बताएंगे हम्म बिल्कुल सही अगला सवाल अगला सवाल क्या है झारखंड डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट झारखंड जो है डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेस्ट बंगाल उड़ीसा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल उड़ीसा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कौन सा होगा हाँ तो किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता बाकी तीन बिल्कुल ये थोड़ा सा बहुआ वाला सवाल हो गया ना आप लोगों के लिए? चलिए कोई बात नहीं अब थोड़ा सा जवान वाला सवाल ले आते हैं चलिए यूरोनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिन एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द कॉर्पोरेट ऑफिस यूसीआईएल जादूगोड़ा इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन झारखंड कहाँ पे गिरिडीह दुमका ईस्ट सिंह साहेबगंज यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यू परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है बताइए ये जादूगोड़ा कॉरपोरेट कहाँ पे स्थित है कौन सा जिला में है कौन सा जिला में होगा हाँ चलिए बहुत सही कौन सा जिला में होगा जल्दी से जवाब दीजिए इतना स्लो नहीं तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ जाता है है ना पूर्वी सिंहभूम के इलाके में पड़ जाता है जादूगोड़ा। अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है Against whom did ए ब्रेव संथाल लीडर संथाल ट्राइबल रीजन रिवेल संथाल जनजातीय क्षेत्र का एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था मराठा मुगल जमींदार और पोर्तुगेज गवर्नमेंट जमींदार एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट जल्दी से जवाब देंगे हाँ ऋतु आप ठीक है जिले में बिल्कुल मेरा जिला नहीं पूजा मेरा जिला उसका बगल वाला जिला है ठीक है यहाँ पे बिल्कुल ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है बेतला नेशनल पार्क इज वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया बेतला इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभ्यारण्य में से एक है बेतला निम्न में से किसका एक संक्षिप्त रूप है हैलो ईगल टाइगर लंगूर एक्सिस एक्सिस या बेर एलिफेंट टियोपार्ड एलिगेटर बस्टर्ड ईगल बस्टर्ड ईगल टर्टिल लिजार्ड एनाकोंडा बैसन एलिफेंट टाइगर लेपर्ड एक्सिस एक्सिस कौन सा होगा इसमें से बताइए बेतला में बेतला समझ रहे हैं ना बताइए शॉर्ट फॉर्म क्या होता है हाँ हाँ आया हूँ मैं भागलपुर कई बार दो तीन बार गया हूँ बॉबी गया हूँ मैं क्यों देखे थे क्या हमको तो ये है आपका बासन ले एलिफेंट टाइगर लेपर्ड और एक्सिस एक्सिस डी इज द राइट आंसर बिल्कुल डी इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है डी इज द राइट आंसर अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है अगला अगला क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ झारखंड इसमें से कौन जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है झारखंड का संतूर नगाड़ा तमक बताइए जल्दी से बताएंगे यस डी yes, इज द राइट आंसर बिल्कुल डी सही जवाब है आप लोगों का उसके बाद बताएंगे ये hmm. तो ये जो है आपका संतूर जो है ना संतूर झारखंड का नहीं है ये भी इंस्ट्रूमेंट जरूर है लेकिन झारखंड का स्पेशली नहीं है ये बाकी जो है नगाड़ा और तामक जो है आपके झारखंड का ही है। तो इसके हिसाब से दो और तीन जो होगा वही सही आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर डी इज़ द राइट आंसर अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन वोन द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आर्चरी इन द ईयर 2007 2007 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था किसको स्पोर्ट्स पर्सन को द्रोणाचार अवार्ड एथेंस एथेंस लकड़ा देखिए एथेंस लकड़ा जयदीप सरकार चार्ल्स बोरोमियो संजीव कुमार सिंह तो ये संजीव कुमार सिंह को मिला था द्रोणाचार्य अवार्ड 2007 में आर्चरी के क्षेत्र में संजीव कुमार सिंह ठीक है ये भी एक वाद्य यंत्र होता है भाभी मेरे पास तो है नहीं कि हम दिखा दें तुमको चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन लोकल लैंग्वेज ऑफ द ट्राइब्स ऑफ झारखंड सबसे मेन क्या सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है इसमें से कौन सा भाषा है जैस्मिन या कहलूरी तो इसमें से कौन एक झारखंड की जनजातीय भाषा है झारखंड की जनजातीय भाषा इसमें से कौन होगा जल्दी बताइए कोलो की जो राइट आंसर बिल्कुल सही अगला सवाल ले लेते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन स्टेटस ऑफ गॉड हु फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ट्राइबल्स पीपुल। तो किसे भगवान का दर्जा मिला ये सब आप लोगों को पता है बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा एक ही है अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या होगा व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज इन सिंभूम कॉपर बेल्ट कंपोज्ड ऑफ व्हिच फॉर्म ए जोन कॉल्ड सिंहभूम सीआर जोन सिंहभूम सीआर जोन वालकेनो ऑप्सीडियन आग्नेय चट्टान नाइस मेटामॉर्फिक चट्टान प्रोट्रोजोइक वालकैनो अवसादी चट्टान बेसाल्ट मेटामॉर्फिक चट्टान कौन सा होगा जल्दी से तो ये जो है आपका पेट्रोजोइक वोल्क्योनो सेडिमेंट्री रॉक्स होगा जो सिंहभूम के कॉपर बेल्ट में पाया जाता है सिंहभूम के सीयर जोन में पाया जाता है तो आपका जो है आंसर शुड बी द सी सी इज द राइट आंसर अगला सवाल सी इज द राइट आंसर हु एवंग द फॉलोइंग सेट ऑफ द मार्किस्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी टू डिमांड ए सेपरेट झारखंड स्टेट सेपरेट झारखंड स्टेट हु एमोंग द फॉलोइंग सेट ऑफ द मार्किस्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी टू डिमांड द सेपरेट झारखंड स्टेट यशवंत सिन्हा यशवंत सिन्हा जॉर्ज फर्नांडिस अरुण कुमार राय अरिंदम राय जल्दी से बताइए आप लोग एक लाइन से एक जाना पहचाना नाम आपको मिल गया और तुरंत जो है आप चल दिए पीछे यशवंत सिन्हा मार्किस थोड़े था मार्क्सवादी थोड़े था यशवंत सिन्हा हाँ जी जयंत जे... सिन्हा के बाबूजी अरे यशवंत सिन्हा मार्क्सवादी ग्रुप में कब रहे हैं सो बताइए वो बीजेपी के साथ भी रहे तो ये जो है अरुण कुमार राय अरुण कुमार राय आंसर हो गए यहाँ पे चलिए अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है सेपरेट झारखंड स्टेट के लिए अरुण कुमार राय मोर्चा संभाला था अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज माइंस एंड जियोलॉजी व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड विद रिस्पेक्ट टू आयरन डिपोजिट इन इंडिया उद्योग खान और भू विज्ञान विज्ञान के अनुसार भारत में लोहे के भंडार से संबंधित झारखंड का दर्जा झारखंड का कितने नंबर का दर्जा है क्या दर्जा है क्या है हाँ हाँ चलो भाई <laughs> चलिए यहाँ पे जवाब दीजिए फटाफट जवाब दीजिए तो यहाँ जवाब आपका क्या हो जाएगा ये जो है टॉप पे है हमारा झारखंड है ना डि, आयरन डिपोजिट के मामले में टॉप पे है फर्स्ट प्लेस है हमारा पहला प्लेस है आयरन के मामले में विच ऑफ़ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन इन झारखंड विच इज क्लासीफाइड अंडर द इंडो आर्यन फैमिली इंडो आर्यन फैमिली के रूप में जो है बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन इन झारखंड विच इज क्लासीफाइड अंडर द इंडो आर्यन फैमिली क्या हो जाएगा संथाली भोजपुरी गारो बोड़ो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड इंडो आर्यन झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है इसमें से इंडो आर्यन में संथाली भोजपुरी गारो बोड़ो हाँ फेमस है भाई हम जान रहे हैं बनाई है तो ले आओ खा लेते हैं क्या दिक्कत है ठीक है तो भोजपुरी जो है इंडो आर्यन परिवार का भाषा है बाकी जो है वो ट्राइबल भाषा है है ना? चलिए, अगला सवाल ले लेते हैं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्नीस में बिहार सरकार द्वारा ए आई ए डी ए की स्थापना की गई ए आई डी ए का फुल फॉर्म क्या होगा तो ये होगा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आदित्यपुर के इलाका में है अरे बिल्कुल देखिएगा संथाल एरिया जो है ना आपका जो संथाल एरिया है चाहे ऊपर के जो जिले हैं जितने भी जिले हैं वो सारे जिले में आप देखिएगा जो टच में है बिहार का वहाँ पे भोजपु भोजपुरी बोला जाता है हाँ खोठा भी आपका जो है ना खोरठा जो होता है वो भोजपुरी से बहुत कुछ मिलता जुलता है थोड़ा बहुत हाँ आदित्यपुर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है आदित्यपुर ठीक है अगला विच ऑफ़ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन मुंडा लैंग्वेज फैमिली ऑफ झारखंड मुंडा लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन मुंडा लैंग्वेज फैमिली इन झारखंड कोरवा चौक हिल्स खोटा झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है कोरबा खड़िया पहाड़िया खोटा जल्दी से बताएंगे अंगिका भोजपुरी दोनों हाँ बॉबी सही कह रही हो आप सही है आपका जवाब बिल्कुल सही है भागलपुर में अंगिका बोला जाता है तो मुंडा लैंग्वेज में जो है ना आपका खड़िया बोला जाता है मुंडा भाषा परिवार निम्न से कौन सी भाषा शामिल मुंडा भाषा परिवार खड़िया शामिल है ठीक है अगला सवाल अगला सवाल ले लेते हैं अच्छा एक बात बताइए आप लोग हाँ खड़िया जीता ये जो दोनों लैंग्वेज में करके ला रहा हूं लैंग्वेज जो बुक में मिल रहा है हमें हिंदी ही मिल रहा है ठीक है जहां से भी हम कलेक्ट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक से भी है तो हिंदी ही लेकर आए क्योंकि देखिए ट्रांसलेशन में कभी कभी गलतियाँ हो जाती है कि हिंदी की ये बाइलैंग्वेज ठीक है बताइए आप लोग तो थोड़ा कमेंट में क्योंकि तो थोड़ी समस्या का समाधान करना सामना करना पड़ रहा है आपको है ना हुज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द टू डेज मोमेंटम झारखंड समिट टू शो केस ऑफ द डायनामिक लीडरशिप स्ट्रोंग एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसीज एंड इंडस्ट्रीज हेरिटेज ऑफ स्टेट दो दिवसीय मोमेंटम झारखंड मोमेंटम झारखंड जो है जो प्रोग्राम हुआ था मोमेंटम झारखंड शिखर सम्मेलन में ऊर्जस्वी का नेतृत्व मजबूत प्रगतिशील नीतियों और राजस्व के औद्योगिक विरासत का प्रदर्शन करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है भाई तो इसीलिए ट्रांसलेशन करवाना जरूरी होता है तो महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों को महेंद्र सिंह धोनी इज द राइट आंसर अब मुझे भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी हिंदी के कुछ शब्दों से महेंद्र सिंह धोनी जो है ना मोमेंटम झारखंड के ब्रांड एम्बेसिडर थे विच प्लेस इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट इज कॉमनली नोन एज क्वीन ऑफ छोटा नागपुर है ना छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है डाल्टिनगंज नेतरहाट देवघर गिरिडीह डाल्टनगंज नेत्रहाट देवघर गिरिडीह कौन सा होगा जल्दी से बताइए तो यह होगा आपका नेत्रहाट को छोटा नागपुर की रानी बोला जाता है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा आपका नोने द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर नेत्रहाट यहां जो स्कूल है बहुत फेमस स्कूल है यहाँ एडमिशन हो गया तो समझिए बच्चा ना सीधे आई एस आई बन के लिए तैयार हो जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड विच एरिया ऑफ सिंग हैज द मैक्सिमम रिजर्व ऑफ हेमेटाइट है ना अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड विच एरिया इज एरिया ऑफ सिंगभंगज मैक्सिमम रिजर्व ऑफ हेमेटाइट मैक्सिमम रिजर्व हेमाटाइट का जो मैक्सिमम रिजर्व जो होगा वो कहाँ होगा झारखंड सरकार के वेबसाइट के अनुसार सिंदरी बेतला चेरिया सिंदरी बेतला चिरिया उसके बाद पूरी सिंदरी बेतला चिरिया पूरी कहां पे होगा तो चिरिया इज द राइट आंसर बिल्कुल चिरिया सही जवाब है सी इज द राइट आंसर सी जिसका जवाब है बिल्कुल सही जवाब है अगला सवाल ले लेते हैं अगला पचास हो गए चलिए आप लोग पचास हम लोग एक घंटे में कर रहे हैं तो हम लोग तीन घंटे में एटलीस्ट डेढ़ सौ क्वेश्चन कर लेंगे एटलीस्ट डेढ़ सौ क्वेश्चन कर लेंगे अगला सवाल क्या है ड्यूरिंग इंडिया फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस इनटीन फिफ्टी सेवन ए जमींदार ऑफ विलेज हेल्प इन द इंडियन आर्मी टू मार्च द डोरंडा रांची एंड द संथाल ट्राइवर्स ट्राइवर्स मैन अगेंस्ट द ब्रिटिश कंपनी आइडेंटिफाई द लैंड लॉर्ड भारत की आजादी के पहले युद्ध के दौरान अठारह में बारह गांव के एक जमींदार ने भारतीय सेना डोरंडा भारतीय सेना को डोरंडा में रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया था इस जमींदार का नाम क्या है माधव सिंह गणपत राय माधव सिंह गणपत राय शेख भिखा, भिखारी या विश्वनाथ सहदेव जल्दी से बताइए ये था आपका शेख भिखारी ठीक है अगला सवाल एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन और सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम द सेंटर हैज परमिटेड फिफ्टी मोर ब्लॉक्स फॉर झारखंड टू बी इंक्लूडेड इन द सी एफ टी प्रोजेक्ट सी एफ टी प्रोजेक्ट द हाइएस्ट इन द कंट्री एम एस एस वाई पी एम ए वाई सी एस के वाई एम नरेगा निम्नलिखित में से किस योजना के सफल कार्यान्वयन की सराहना के रूप में सी एफ टी परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र ने झारखंड के लिए पचास और ब्लॉक की अनुमति दी है जो देश में सबसे अधिक है नरेगा एम नरेगा ठीक है ना नरेगा इधर राइट आंसर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जो अभी जगह है उनको अभी गुड मॉर्निंग चलिए अभी से सवाल चालू कर दीजिए जवाब देना हाँ अगला सवाल क्या है तो ये नरेगा होगा नरेगा योजना के तहत जो है ना इसका सराहना हुआ और सी एफ टी परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार झारखंड को 50 और ब्लॉक में फैलाने का अनुमति दे दिया कि भैया और फैलाओ नरेगा से क्या होता है नॉन स्किल्ड अनस्किल्ड पर्सन को स्किल्ड किया जाता है और उसको रोजगार के साधन दिया जाता है झारखंड के मुख्यमंत्री लाडली योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं दिया जाता है कौन सा लाभ इसमें से नहीं दिया जाता है कक्षा नौ में प्रवेश के बाद लड़की को पाँच हज़ार रुपये एक बार में भुगतान मिलता है यही ऑप्शन इसमें से नहीं है बाकी नवजात कन्या के बाद जो है ना पाँच वर्षों तक छः हर जो है छः हज़ार रुपया हर वर्ष पोस्ट ऑफिस में जमा किए जाते हैं मुख्यमंत्री लाडली योजना के तहत ये भी सही है जब लड़की कक्षा ग्यारह और बारह में पढ़ती है तो राज्य द्वारा दो प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है ये भी सही है योजना की परिपक्वता पर इक्कीस वर्ष की आयु में लड़की को एक लाख आठ हजार छ सौ मिलेगा ठीक है कि वो पांच केवल नौ में प्रवेश के बाद पांच हजार रुपये का भुगतान जो होता है वो वाला केवल ऑप्शन सही नहीं है तो बी इज द नॉट राइट आंसर अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है अगला सवाल है नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड ऑफ झारखंड इज होली ऑन सब्सिडरी ऑफ बालमुकुंद प्राइवेट लिमिटेड कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड शिवम ग्रुप ऑफ कंपनीज झारखंड के नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड किसके पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है बालमुकुंद प्राइवेट लिमिटेड कोहिर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड शिवम ग्रुप ऑफ कंपनीज कौन सा होगा जल्दी बताओ तो ये होगा आपका जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज द राइट आंसर ठीक है हाँ जी तो यहां पे जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज द राइट आंसर जो पूरी तरह से जो है नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी है ध्यान रखिएगा बताइए यहाँ तक की बातें समझ में आई अगला सवाल अगला सवाल ले लेते हैं इन द ईयर 1938 आदिवासी महासभा वाज टू सेपरेट झारखंड फ्रॉम द बिहार एंड क्रिएट ए न्यू स्टेट बाय बाई हु वर्ष उन्नीस सौ अड़तीस में बिहार से झारखंड अलग कर नया राज्य बनाने के लिए अलग राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बनाई गई थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी जल्दी बताइए गणपत राय मांझी जयपाल सिंह मुंडा सूरज सिंह मुंडा अमर मांझी तो ये जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था जयपाल सिंह है ना जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ये अलग राज्य की सेपरेट झारखंड फ्रॉम बिहार एंड क्रिएट ए न्यू स्टेट न्यू स्टेट क्रिएट करने की बात किया गया था समझ गए जयपाल सिंह मुंडा वेरी वेरी गुड वेरी गुड, गुड। बहुत सुंदर जवाब अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है अगला सवाल है विच ऑफ़ द विच ऑफ़ दीज क्राफ्ट इज मेजर फीचर ऑफ़ द क्राफ्ट मैन ऑफ झारखंड झारखंड के मेजर फीचर कौन है क्या है इसमें इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड के शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है झारखंड के शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता कौन सा है पैतकर चित्रकला छा काशी ग्रास कौन सा होगा जल्दी से बताइए तो झारखंड का जो शिल्प कला में ये तीनों तो है ये तीनों है पैतकर चित्रकला भी है छमुखोटा भी है काशिक रस ये तीनों बी इज द राइट आंसर है ना बी इज द राइट आंसर बी बिल्कुल सही जवाब होगा तीनों ही है बिल्कुल सही है कहां गए दे अंकिता जवाब नहीं आ रहा है अगला सवाल हम्म चलिए ठीक है बिल्कुल सही है सुबोध बिल्कुल सही पूजा बिल्कुल सही है बिल्कुल सही हाँ जी बहुत सही चलिए अब अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइब ऑफ ड्रबिडियन और मेनली कंसेंट्रेटेड इन द छोटा नागपुर रीजन ऑफ झारखंड इनमें से कौन सी ड्रविड मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है बताइए हाँ जी दे रही हूं ठीक है ठीक है कोई बात नहीं तो उरांव जो है द्रबिड़ मूल का एक जनजाति है जो झारखंड की छोटे नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है ठीक है बिल्कुल सही जवाब है उरांव अगला सवाल हुट द बुक सोल्जर्स गर्ल उरांव बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का हु रोट द सोल्जर्स गर्ल सोल्जर्स गर्ल किसने लिखा है बुक का नाम बताओ पुस्तक द सोल्जर्स गर्ल्स पुस्तक किसने लिखी निकिता सिंह ज्ञान सिंह तुहिन सिन्हा स्वप्निल पांडे कौन हो सकता है तो ये जो है ये लिखा गया है स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखा गया है किसके द्वारा स्वप्निल पांडे स्वप्निल पांडे अगला विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज कंसिडर्ड एज द स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड स्टेट बर्ड किसे बोला गया है इसमें से कौन सा बर्ड स्टेट बर्ड के रूप में जाना जाता है तुहिन सिन्हा आशीष दास ने लिखा नहीं स्वप्निल पांडे होगा आशीष छोटे जी एशियन कोयल बिल्कुल सही है एशियन कोयल जो होगा है ना एशियन कोयल होगा यही स्टेट बर्ड है हमारे झारखंड का कुहू कुहू इंडियाज फर्स्ट फैसिलिटी ऑफ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एट घाटशिला इन झारखंड वॉच कमीशन इन अगस्त 2016 टू मैन्युफैक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स सिल्वर कोबाल्ट, जिंक, निकेल, निकेल, जिंक कोबाल्ट सिल्वर जल्दी जल्दी बता दीजिए तो बिल्कुल तो ये जो है आपका जो है जवाब जो होगा जवाब जो है आपका निकेल इज द राइट आंसर किस धातु का निर्माण करने के लिए 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झारखंड के घाटशिला में पहली बार सुविधा शुरू की तो ज्यादातर लोग मार देंगे कॉपर या कोबाल्ट मारेंगे निकल ध्यान रखिएगा ठीक है द राइट आंसर नॉट कोबाल्ट पवन निकल अगला सवाल हु वेयर द टू ब्रदर हु लेड द संथाल रिवेलियन इन द फिफ्टी फाइव कौन दो भाई थे जो रिवेलियन को स्टार्ट किए थे हालांकि दो भाई और आ गए थे इसके बाद में लेकिन कौन थे ये हीर, हीरा एन जतिन सिद्धू और कानू गणपत राय और बुद्धवीर तिलका मांझी और भागीरथ मांझी कौन होगा सिद्धू कान्हू बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का सिद्धू कानू और चांद भैरव यही चार थे ना हाँ जी सही है इनको राजा घोषित किया गया था और कानू को मंत्री सिद्धू कानू चांद जो थे वो चांद को जो है प्रशासक और जो भैरव था भैरव को सेनापति घोषित किया गया था अगला पंडित भाग रघुनाथ मुर्मू एज पार्ट ऑफ हिज एफर्ट टू गिव संथाली कल्चर क्रिएटेड द संथाली अल्फाबेट विच विच इज नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्चिकी पूछ रहा है पंडित बढ़ावा रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया किस नाम से जाना जाता है ओलचिकी वारंग छिती तो जल्दी से जवाब देंगे तो ओल्ड चिक्की इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है ओल्ड चिक्की इज द राइट आंसर अगला सवाल अगला जवाब ले लीजिए पहला क्वेश्चन ले लीजिए हु टू ब्रदर्स हु लोड संथाल रिवेलियन अच्छा पीछे आ गए हम लोग अच्छा ओल्ड चिक्की हो गया ये वाला आइडेंटिफाई द लैंग्वेज विच बिलोंग टू द लैंग्वेज फैमिली ऑफ मुंडा मुंडा के मुंडा भाषा के परिवार से संबंधित कौन सी भाषा है लोहरा भोजपुरी मैथिली सिंधी जल्दी से बताएंगे इसमें जल्दी से बताएंगे इसमें हाँ जी तो ये जो होगा लोहरा इज द राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है अगला सवाल ले लेते हैं पंडित भाग रघुनाथ मुर्मू एज पार्ट ऑफ हिज एफर्ट टू गिव संथाली कल्चर क्रिएटेड द संथाली अल्फाबेट विच इज नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग ओलचिकी वारंगी अच्छा पंडित अच्छा ये तो हो गया दोबारा आ गया प्रियंका चोपड़ा वॉज बॉर्न इन जमशेदपुर इंडिया इन विच ईयर शी वन द मिस इंडिया एंड मिस वर्ल्ड ब्यूटी पीनेंट पीजेंट अवार्ड बताइए मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया कौन से सा साल में जीती थी वो 2004 2000 2002 दो हजार दो जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताइए कौन से सा साल में प्रियंका चोपड़ा जो है ना जीती थी मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड हाँ, दो हजार वर्ष दो हजार अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है स्पीडा है ना एस पी आई ए डी ए झारखंड छह कमांडो कमांड जिलों में औद्योगिक विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है इन जिलों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है ठीक है एस पी आई ए डी ए प्लेज एन एक्टिव रोल टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन दिक्कस कमांड डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड बाई वॉट नेम आर दिस डिस्ट्रिक कलेक्टिवली नोन कौन सा तो ये जो है संथाल परगना वाला क्षेत्र हो जाता है कौन सा संथाल परगना वाला क्षेत्र हो जाता है ठीक है अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है बिल्कुल बी इज द राइट आंसर सही है बी इज द राइट आंसर संथाल परगना विच ट्री वर्शिप इन ट्राइबल फेस्टिवल इज कंसिडर्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ झारखंड आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष है जो झारखंड में जो झारखंड के राज्य वृक्ष माना जाता है झारखंड का राज्य वृक्ष भी माना जाता है कौन सा सखुआ सिमुल गम्हार मोघा जल्दी से बताइए साल बिल्कुल साल इज द राइट आंसर सखुआ भी बोलते हैं सखुआ पत्ता सखुआ का दातून सखुआ का पेड़ उसका पटरा पटरा बोलते हैं ना उसका प्लाई वो बहुत ही काम का होता है इन इन मे 2011, थाउजेंड इलेवन हु वॉज ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन फ्रॉम झारखंड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली कौन थी भैया हाईएस्ट पिक पहुंचने वाली 48 साल की बताइए जल्दी से याद है कि भूल गए रिवीजन चल रहा है ना सही जवाब है प्रेम लता अग्रवाल इज द राइट आंसर प्रेम लता अग्रवाल बिल्कुल सही जवाब है प्रेमलता अग्रवाल अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है अगला सवाल क्या है जल्दी से जल्दी बताइए अच्छा बहुत बढ़िया एस ए आई एल ई डी सेल्ड पोएम है मुंडारी नागपुरी एंड हिंदी दिशिर मॉडर्न मुंडारी सॉन्ग्स आर द बुक पब्लिश्ड बाय हुम सैलेद सैलेड मुंडारी नागपुरी हिंदी कविता और हिस्सी आधुनिक मुंडारी गाना किसके द्वारा किसके प्रकाशित से लेख है किसके प्राकृत द्वारा प्रकाशित किया गया है राहुल लकड़ा दिलीप टिक रामदयाल मुंडा रामचंद्र मिश्रा बताइए राहुल लकड़ा दिलीप तिर्की रामदयाल मुंडा रामचंद्र मिश्रा किसके द्वारा है बछेंद्री पाल यहां ऑप्शन कहां है है पाल तो रामदयाल मुंडा के द्वारा यह लिखा गया है है ना सलेद और हिशिर जो प्रकाशित जो संलेख है लेख है रामदयाल मुंडा इज द राइट आंसर अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है जल्दी से जल्दी बताओ रामदयाल मुंडा सेकेंडरी पाल कहाँ से होगा भाई अगला एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस झारखंड माइका इज फाउंड मालका माइका कहाँ पे मिलेगा माइका किस एरिया में मिलेगा कोडरमा झुमरी तिलैया सिंहभूम एक और दो केवल दो दो और तीन एक जल्दी से बताएंगे तो जो आसपास कोडरमा के आसपास के इलाका में ही मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा कोडरमा तो मेनली मिलेगा ही लेकिन सिंहभूम तो बिल्कुल लास्ट में आ जाता है साउथ में आ जाता है तो आपका यहां पे झुमरी तिलैया और कोडरमा ही होगा कौन होगा कोडरमा और झुमरी तिलैया द खरवार मूवमेंट इन 1874 बिकम फेमस अंडर लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल्स जल्दी से बताएंगे हाँ जी चलिए बहुत बढ़िया है तो यहां पे कौन है जो कि अठारह में खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ तो था भागीरथ मांझी किसके तो भागीरथ मांझी इसको बाबा के नाम से बुलाया जाता था वहां पे। अगला सवाल क्या है वेयर हैज द एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क वेयर हैज द एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क हैज बीन सेटअप एज पर द झारखंड स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2011 रांची धनबाद कोडरमा बोकारो रांची धनबाद कोडरमा बोकारो झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2011 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ई पी आई पी कहाँ स्थापित किया गया है ईपीआईपी e. कहाँ स्थापित किया गया है जल्दी बताइए हाँ ठीक है तो यह स्थापित किया गया आपका धनबाद में ईपीआईपी e. कहां पर तो धनबाद में स्थापित किया गया है बिल्कुल सही जवाब है ई पी आई पी अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ ट्राइबल वुमेन इन झारखंड मेखला चादर प्राची परहन फेरन भगवान क्या है इसमें से कौन सा है फेमस ड्रेस है तो ये ड्रेस जो है कौन सा है प्राची और परहन है प्राची और परहन प्राची परहन जो है यही फेमस ड्रेस है ड्रेस का वन टाइप है ये अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है अगला है इन विच ईयर महेंद्र सिंह धोनी रिसीव्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बताइए दो बार जो कें्जिक्यूटिव अवार्ड मिला था उसके साथ ही बताइए कौन सा होगा जल्दी से बताएंगे हाँ जी 2007 में मिला था मैंने इसके बारे में बताया भी था और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अभी कौन से नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद इसका नाम बदल दिया गया है ठीक है अगला सवाल ले लेते हैं द बिहार यू ऑर्गेनाइजेशन बिल वॉज पास टू का आउट एटीन फ्रॉम द बिहार ना झारखंड को एक नया राज्य बनाने तो बिहार में अठारह जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था उस समय के आर नारायणन इस विधेयक को कब मंजूरी दिए थे कौन से बताओ कब मंजूरी दिए थे कब मंजूरी दिए थे तो मंजूरी दिए थे अगस्त 2000 में अगस्त 2000 हजार इज द राइट आंसर देखिए होता क्या है ना मिलता कब है वो नहीं देखना है कौन से ईयर के लिए मिल रहा है वो रिकॉर्ड में जाता है 2007 का जो है पद्म भूषण की पद्म विभूषण किसको मिल रहा है ये वो देखना होगा ठीक है तो यहाँ पे आप देख लीजिए हाँ अगस्त बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का हाँ बिल्कुल अगला सवाल ले लेते हैं अगला क्या है आइडेंटिफाई द यूनियन कॉल मिनिस्टर वर्किंग अंडर द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट हु हैड रिजाइन आफ्टर द अरेस्ट वारंट वॉज इश्यूड अगेंस्ट हिम गिरफ्तारी का वारंट जब निकला तब वो रिजाइन किए पहले कोयला मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह की सरकार में कौन रघुवरदास शिबू सोरेन हेमंत सोरेन द्रौपदी मुर्मू कौन होगा तो ये है आपके शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के बाबू जी शिबू सोरेन ठीक है अगला अच्छा हाँ विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लेस इन झारखंड हैज रिच ग्रेफाइड डिपोजिट्स ग्रेफाइड का बहुत ज़्यादा मात्रा यहाँ पर पाया जाता है कौन से एरिया में हाँ गुरु जी बिल्कुल छोटे पाल जी गुरु जी हम्म जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कोई बात नहीं जॉली एल एल मूवी भी, भी देखा था मैं उसमें भी अपील को एप्पल लिखे गया था वो जो वकील था कानपुर वाले या कौन थे <laughs> अपील को एप्पल लिख के गया था <laughs> चलिए यहाँ पे क्या है पाकुड़ पलामू को डरमा गिरडी और जज पूछता कहाँ से एल करके आए हो भाई <laughs> बताइए कोई स्टूडेंट गलती करता है बदनाम पूरा कॉलेज हो जाता है <laughs> है ना बताइए झारखंड रिच है आपका पलामू जिला जो है ना ग्रेफाइट से रिच है बिल्कुल पलामू इज द राइट आंसर पलामू इज द राइट आंसर अगला सवाल अगला सवाल है हु बिकम द सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड रघुवर दास बाबूलाल मरांडी अर्जुन मुंडा हेमंत सोरेन पहला तो बना था बाबूलाल मरांडी फर्स्ट यही था ठीक है उसके बाद दूसरा बना अर्जुन मुंडा हटवा के इसको बड़ा चालबाजी से अर्जुन मुंडा इसको हटवाया है ना और अब खुद बन गया जबकि दोनों था एक ही पार्टी से वट इज द मिसकंसेप्शन ऑफ माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर अंडर द झारखंड मिनरल पॉलिसी झारखंड मिनरल पॉलिसी के तहत खनन और खनिज क्षेत्र की गलत धारणा कौन सी है ये पहला है कि प्रक्रियाओं को सरल बनाए और खनन पट्टी को त्वरित मंजूरी दीजिए ये गलत धारणा नहीं है सही है तो होना चाहिए खनन गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करें। ये जो है मिसकन्सेपन वाली थोड़ी सी बात आगे देख लेते पहले खनन गतिविधियों को आसान बनाने के लिए कुछ राहत प्रदान करें ये तो किया ही जाना चाहिए विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करें बिल्कुल जरूरी है तो इससे सबसे कमजोर ऑप्शन जो है आपका बी ही है इनकरेज पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ाने से हाँ अर्जुन मुंडा देश का गांडा लेकर भाग गया हीरो हंडा अच्छा यह क्या फार्मूला है क्या चलिए आगे तो यहां पे जो है आपका जो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही होगा तो यहां पे बी वाले जो है ठीक है मिसकनसेप्शन है, मतलब सही नहीं है पूरी वुमेन फ्रॉम झारखंड जमशेदपुर हुन द गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इन नॉर्वे नॉर्वे में जो है जीती है बॉक्सिंग में 2004 में मैरी कॉम मैरी कॉम तो भाई आपके यहाँ से है ही नहीं तो नॉर्थ ईस्ट से पिंकी रानी कविता चौहान अरुणा मिश्रा जल्दी से जवाब दीजिए इसमें कौन सा होगा जल्दी से जवाब दीजिए नारा था हाँ जल्दी से जवाब दीजिए तो ये होगा आपका अरुणा मिश्रा इज़ द राइट आंसर अरुणा मिश्रा बिल्कुल सही जवाब है अगला सवाल ले लेते हैं इन अप्रैल 2070 इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड फॉर मल्टी मॉडल टर्मिनल ऑन द रिवर गंगा विच इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे फर्स्ट एट वाराणसी इन उत्तर प्रदेश एंड अप टू हल्दिया इन वेस्ट बंगाल कंपोनेंट अप्रैल 2017 में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में गंगा नदी पर एक बहुत मॉडल टर्मिनल के लिए आधारशिला रखी गई थी जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास का महत्वपूर्ण घटक है बताइए गंगा नदी तो एक ही जिला से होकर जाती है और वह साहेबगंज आपको सभी को पता है इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए ये तो ऐसा भी आप समझ जाएंगे चलिए अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है झारखंड चीफ मिनिस्टर रघुवर दास हैज लॉन्च न्यू फ्री मोबाइल फोन स्कीम टू तो प्रोवाइड फ्री मोबाइल तो टू हाउ मेनी वुमेन इंटरप्रन्योर ऑफ स्टेट पचास लाख एक लाख पांच लाख दस हजार झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की कितनी महिला उद्यमियों को निशुल्क मोबाइल प्रदान करने के लिए नई शुल्क नए निशुल्क मोबाइल फोन योजना शुरू की है जल्दी से बताइए पचास लाख एक लाख पांच लाख दस हजार कौन सा होगा तो पूरे राज्य में जो है महिला उद्यमियों निशुल को निशुल्क मोबाइल देने की जो बात किया गया है एक लाख मोबाइल की बात किया गया है कितना एक लाख मोबाइल का बात किया गया है अगला वेन दिमा साइमन कमीशन के एम इन पटना इन नाइनटीन ट्वेंटी एट द डिमांड फॉर सेपरेट झारखंड स्टेट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट बाई द ट्राइब्स वॉज फार्मुलेटेड बाई विच डेलीगेशन उन्नीस सौ अट्ठाईस में जब साइमन कमीशन पटना आया तो जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा की गई थी और डेलीगेशन किस डेलीगेशन के द्वारा समता पार्टी सोनो संथाल समाज छोटा नागपुर उन्नति समाज आदिवासी परि आदिवासी पार्टी जल्दी से बताइए जल्दी से बताएंगे आप हाँ। आदिवासी पार्टी छोटा नागपुर उन्नति समाज हाँ छोट आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है यही सही है सी इज द राइट आंसर छोटा नागपुर उन्नति समाज अगला सवाल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होता है जल्दी से बताइए जल्दी बताएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड चाहबासा दुमका रांची सिमडेगा दुमका, रांची सिमडेगा रांची के और मांझी से चलिए बहुत बढ़िया रांची से बहुत सही राजधानी से पास होता है अगला वेअर इज द झारखंड स्टेट इंडस्ट्रियल पार्क प्रपोज टू बी सेटअप वेयर इज द झारखंड स्टेट इंडस्ट्रियल पार्क प्रपोज टू बी सेटअप रांची धनबाद कोडरमा बोकारो रांची धनबाद कोडरमा बोकारो जल्दी से बताइए झारखंड राज्य के औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है झारखंड राज्य औद्योगिक पार्क तो ये आपका धनबाद में प्रस्तावित है कहाँ पे धनबाद इज द राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का टेलीग्राम लिंक है इसका आप वीडियो में टेलीग्राम लिंक में सारा भेजा कल भी मैंने भेज दिया था बच्चों आप लोग जो बोल रहे थे जो वाला नहीं गया था वो कल मैं भेज दिया था आप जाके एक बार चेक कीजिएगा ठीक है टेलीग्राम सारा उस पर जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप में है ना अभिनीत उसको ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम वाला उसमें मिल जाएगा पब्लिकेशन ऑफ द मैगजीन आदिवासी वॉज स्टार्टेड किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका प्रकाशन शुरू किया गया था आदिवासी नामक पत्रिका जो शुरुआत की गई थी कौन से साल में 1910 में 1912 में 1915 में 1917 में ठीक है हाँ तो यह 1915 में चालू किया गया था कब किया गया था 1915 में चालू किया गया था अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर क्लासिफाइड एज द हंटर गैदर टाइप एज पर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ झारखंड स्टेट ऑफ गवर्नमेंट झारखंड के राज्य सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा हंटर गैदर प्रकार में वर्गीकृत किया गया है हंटर गैदरर प्रकार में वर्गीकृत किया गया है कौन बताइए हाँ बिल्कुल सही सही जवाब है आप लोगों का ठीक है बताइए कौन सा होगा तो ये कोरबा को जो है ना कोरबा कोरबा जनजाति को हंटर गैदरर के रूप में हंटर गैदरर के रूप में क्लासिफाई किया गया है वेबसाइट के अनुसार झारखंड के वेबसाइट में अगला सवाल क्या है झारखंड राज्य उद्योग नीति झारखंड राज्य उद्योग नीति 2001 के मुताबिक विकास केंद्र औद्योगिक क्षेत्र इत्यादि में जमीन छप्पर आवंटन ठेकेदार को किया जाएगा ताकि वे कितने वर्षों के लिए वार्षिक लीज पर नवीनीकरण की सुविधा के लिए अपनी औद्योगिक इकाइयों की, की स्थापना कर सके तो यह देने की व्यवस्था कितने सालों के लिए किया जा रहा शुरुआत में कितने साल की बात करेगा ये क्लास जो है अब जो झारखंड अड्डा जो ट्वेंटी फोर सेवन है चाहे जो भी चैनल अड्डा पे बनता है वो परमानेंट चलता है आप लोगों का अक्टूबर तक नहीं एग्ज़ाम तक हर एक एग्जाम तक ये बैच चलेगा क्लासेस तो रेगुलर चलेगी जैसे जैसे एग्ज़ाम वगैरह आते जाता है तो उसके लिए अब रेगुलर चलेगी जिस समय फॉर्म नहीं भी आए तो भी क्या होता है उस समय पढ़ाई नहीं होनी चाहिए क्या उस समय पढ़ाई होनी चाहिए आप रेगुलर क्लासेस चलेगी आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक ये बैच का क्लासेस चलेगा जो आपके लिए है ठीक है तो आप लोग इसमें इनरोल हो सकते हैं पूरी तरह से रेगुलर बेसिस पे चलिए तो ये जो है क्या है आपको बताइए तो ये है आपका तीस वर्षों के लिए थर्टी ईयर्स थर्टी ईयर्स के लिए जो है ये है झारखंड राज्य उद्योग नीति दो के अनुसार विकास केंद्र औद्योगिक क्षेत्र के इत्यादि को जो है ना जमीन छपर आवंटित जो है ठेकेदार को किया जा रहा है ताकि जो है ना थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके औद्योगिकरण देश में हो सके राज्य में हो सके अगला सवाल यह है कि विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग फास्ट इज ऑब्जर्व बाई द वुमेन ऑफ झारखंड फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन यह सिंपल सा सवाल है इसका जवाब सभी को पता होगा झारखंड की महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए चाहे उनके जीवन के लिए लंबी आयु के लिए कौन सा व्रत रखती है जितिया वट पूर्णिमा या वांदा <laughs> ओके ओके जितिया बिल्कुल जितिया इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है जितिया इज द राइट आंसर सही जवाब है चलिए जीतिया जीत राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है अगला सवाल हम्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड सिग्निफिकेंटली इन द बागरू हिल्स ऑफ झारखंड बागरू हिल्स गोल्ड लाइमस्टोन स्टोन बॉक्साइड कॉपर सोना चूना पत्थर बॉक्साइड और तांबा बताइए खनिज के से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से कौन सा पाया जाता है सोना चूना पत्थर बॉक्साइड तांबा, क्या पाया जाता है तो बगरू पहाड़ी के एरिया में जो है ना ये मुख्य रूप से बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क पाया जाता है बिल्कुल सही है ठीक है चलिए कोई बात नहीं साढ़े नौ तक चलाएंगे क्लास ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन ना लो ठीक है साढ़े नौ तक चलाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब तक बॉक्साइड का सोर्स यहाँ पे मिलता है बगरू हिल्स झारखंड में चलिए अगला सवाल अगला सवाल क्या है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री माइल्स एंड जियोलॉजी झारखंड इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ है ना क्या है भाई इंडस्ट्रीज खान और भूमि विज्ञान के अनुसार झारखंड विकास का एकमात्र निर्माता झारखंड जो है ना झारखंड किसका एकमात्र निर्माता है इंडस्ट्रीज खान और भू विज्ञान भू विज्ञान विभाग के अनुसार कॉपर का बॉक्साइड आयरन प्राइम कुकिंग कोयल तो यह प्राइम कुकिंग कोयल का जो है ना एकमात्र निर्माता है आपके जी गुड मॉर्निंग सोनी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को गुड मॉर्निंग तो एक जो है ये क्या है आपका प्राइम कुकिंग कोयल प्राइम कुकिंग कोयल इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है इसका एकमात्र उत्पादक कौन है आपके झारखंड ही है अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड इन 2000 थाउजेंड हुएंग द फॉलोइंग सब्ड एज द गवर्नर सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्न में से किसने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी है इसमें राज्यपाल कौन रहा है आपके यहाँ बताइए तो मतलब क्वेश्चन समझिएगा जिस समय अलग हुआ उस समय की बात कर रहे हैं तो जिस समय जस्ट झारखंड अलग हुआ था तो पहला मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब हिसाब से जो है ना पहला राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है तो प्रभात कुमार आप लोगों को पता होगा रघुवर दास और शिवू सोरेन तो मुख्यमंत्री रहा है द्रौपदी मुर्मू रही है लेकिन अभी रही है हाल में पहला जो है प्रभात कुमार था आइए स्थाई अगला अगला अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैम इन एग्जिटेंस वैन रांची वाल डिवाइडेड इंटू थ्री डिस्ट्रिक्ट नेमली रांची लोहरदगा एंड गुमला सो इन विच ईयर लोहरदगा कैम इंटू इन एग्जिस्टेंस लोहरदगा जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को तीन जिलों में विभाजित किया गया था जैसे रांची लोहरदगा और गुमला तो किस वर्ष लोहरदगा अस्तित्व में आया कौन से वर्ष में लोहरदगा अस्तित्व में आया सेवेंटी नाइन नाइनटीन एटी वन थ्री फाइव हाँ जी 1983 थ्री में बिल्कुल सही जवाब है 1983 एटी थ्री इज द राइट आंसर तो का जो है ना अस्तित्व में कब से आया उन्नीस में आया ठीक है वेयर इज दैट तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन ऑफ झारखंड लोकेटेड तेनुघाट थर्मल पावर जो है ना पलामू धनबाद बोकारो सरायकेला कहाँ है लोकेटेड थर्मल पावर स्टेशन झारखंड में कहाँ लोकेट है तो दिस इज लोकेटेड इन बोकारो कहाँ पे? बोकारो समझ रहे बात बोकारो तेन घाट बुकारो में है ना घूमने जाते हैं कि नहीं जाते कभी जाए कीजिए बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सैनिक ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की थी जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप बुरु के रूप में मृतकों का टीला रखा गया उस पहाड़ी का असली नाम क्या था उस पहाड़ी का असली नाम क्या था वो मैंने अपने चार मिनट का जो वीडियो बायोग्राफी जो बताया था इसके जीवनी बताया था बिरसा मुंडा के बारे में वीडियो लिंक में चल जाइएगा अगर झारखंड अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे तो वीडियोज में जाइएगा तो है चार मिनट समराइज हुए में बिरसा मुंडा के बारे में बताया हूँ वो वीडियो देख लीजिएगा तो कम से कम दस बीस फैक्ट जो है ना बिरसा मुंडा का ऐसा ही याद हो जाएगा आप लोगों को एक बार सुनने मात्र से हो जाएगा इतना क्रिएटिव बनाया हूँ उसको मैं डुमरी पहाड़ी बहुत सही है डुमरी पहाड़ी हाँ बिल्कुल सही है डुमरी पहाड़ी आपका सही जवाब है यहाँ पे डुमरी पहाड़ी इज द राइट आंसर डुमरी पहाड़ी इज द राइट आंसर अगला सवाल अगला सवाल क्या है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस अठारह सौ एट द प्लेस इन झारखंड ऑन थर्टी जुलाई वेन द्व रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश कंपनी ब्रोक द जेल एंड फ्रीड द प्रिजनर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज रेफर टू भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध अठारह सौ सत्तावन ठीक है ना अठारह सौ सतावन झारखंड का 30 जुलाई तक एक स्थान से शुरू होता है जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया जेल तोड़ दिया और कैदी को मुक्त कर दिया तो इनमें से कौन सा स्थान संदर्भित है गुमला जामताड़ा हजारीबाग दुमका गुमला जामताड़ा हजारीबाग दुमका जल्दी से बताइए तो हाँ कहाँ का जेल तोड़ दिया था हजारीबाग का ये हजारीबाग लग रहा ना बहुत कमजोर जेल था यहाँ से जयप्रकाश नारायण भाग गए थे ठीक है अपने ग्रुप के साथ नौ लोगों के साथ भाग गए थे सोच लीजिए जवानी में अगला सवाल विथ हुज कोलाबरेशन वॉज द बोकारो स्टील प्लांट द फोर्थ इंटीग्रेटेड प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर पब्लिस्ड बोकारो स्टील प्लांट फोर्थ इंटीग्रेटेड प्लांट इन पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिश जापान ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सोवियत यूनियन किसके सहयोग से जो है बोकारो स्टील प्लांट स्टेब्लिश किया गया था जल्दी बताइए हम्म हाँ जी हजारीबाग का जेल में कैदी को जो जो एकदम घोर क्रिमिनल है ना उसको नहीं भेजना चाहिए वहां से कोई भी सीधा साधा आदमी भाग जाता है तो क्रिमिनल तो आराम से भागेगा हम्म हम्म Yes, बिल्कुल यूएसएसआर यूएसएसआर के सहयोग से जो है ना बोकारो स्टील को स्टेब्लिश किया गया था अच्छा एक चीज और बता दीजिए ये जो दुर्गापुर जो है हाँ दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है जो बंगाल में है दुर्गापुर वो दुर्गापुर किसके सहयोग से बिठाया गया था दुर्गापुर में किसका सहयोग है जल्दी बताइए हाँ सोवियत यूनियन ही था राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है दुर्गापुर जो है वो यूके यूनाइटेड किंगडम चलिए अब क्या पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन झारखंड प्रोवाइड ए नेचुरल हैबिटेट फॉर ब्रीडिंग डियर झारखंड हाँ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है जल्दी बताइए भगवान बिर अच्छा भगवान बिरसा जैविक पार्क दालमा वन्यजीव जीव अभ्यारण्य मुरी तुगरी पार्क बिरसा मिर्ग बिहार कौन सा होगा तो यह होगा बिरसा मिर्ग बिहार कौन होगा बिरसा मिर्ग बिहार अगला सवाल झारखंड के छोटानागपुर नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है जिसका उपयोग उसके लिंगुआ फ्रेंका के रूप में किया जाता है उस भाषा का नाम क्या है बताओ संथाल बिरजिया, सादरी खड़िया क्या होगा हाँ जी चलिए कुछ नहीं आनंद कुछ नहीं हवा पी रहा हूं बस बीच बीच में तो सादरी इज द राइट आंसर है ना सादरी छोटा नागपुर का अनोखा प्रसंग जो हाइब्रिड भाषा का उदय है उसका उपयोग लिंगुआ फ्रेंका के रूप में किया जाता है उस भाषा का नाम है सादरी ध्यान रखिएगा सादरी इज द राइट आंसर अगला सवाल अगला क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइल्ड ग्रास यू टू मेक बॉल्स पेन स्टैंड्स, कोस्टर्स कलर बॉक्सेस डॉल टेबल मैट क्रिसमस ट्री ये सब जंगली घास है एक तरह का जिससे कटोरे पेन स्टैंड कोस्टर, रंगीन बॉक्स गुड़िया टेबल मैट क्रिसमस पेड़ ये सब की सजावट की जाती है ये कौन सा घास होता है तो ये होता है सवाई घास कौन सा सी इज़ द रट आंसर बिल्कुल सही जवाब है सवाई घास सवाई घ्रास इज द राइट आंसर अगला सवाल ये है संवाद सवाल हंड्रेड क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द सेवेंथ हाइएस्ट कॉन्टिनेंटल पिक इन द वर्ल्ड जल्दी से बताएंगे <laughs> अच्छा नहीं कोई बात नहीं थैंक यू थैंक यू पूछने के लिए भैया ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी जूस सब ले लेंगे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे वैसे चलिए तुलसी मलिक नाक्षिस मलिक अच्छा क्वेश्चन क्या है हाँ वू एवंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द सेवेंथ हाइएस्ट कंटिनेंटल पिक हाँ सातों पहाड़ी पे सात महाद्वीपीय चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है तो ये आपकी आंटी जी है प्रेमलता अग्रवाल है ना अड़तालीस साल की उम्र में भी ये पहाड़ चढ़ रही है।, है ना जहां सारी महिलाएं अपना सास ससुर के छाती पे चढ़ जाती है नाक में दम कर देती है ये पहाड़ पे चढ़ रही है बताओ अगला सवाल ये हो गए सौ तो सही है सही है चलिए सौ क्वेश्चन यहां पे हुए अब यहां से बढ़ते हैं आगे दो घंटे में हम लोग का शव हो गया अगला एक घंटा में एक और होना चाहिए कम से कम झारखंड गवर्नमेंट झारखंड सरकार केवल विधवाओं के लिए एक अनोखी हाउसिंग योजना शुरू की, की है इस योजना का नाम क्या है झारखंड सरकार विधवाओं के लिए एक अनोखी हाउसिंग योजना शुरू किया है इस योजना का नाम क्या है भीमराव अम्बेडकर आवास योजना बिरसा मुंडा आवास योजना राजीव गांधी आवास योजना तिलका मांझी आवास योजना हाँ जी बताइए मजाक उड़ा के क्या मिलेगा किसी का क्यों मजाक उड़ा रहे हो भाई क्यों कौन कौन मजाक उड़ा रहा है किसका उड़ा रहा है चलो कोई बात नहीं थोड़ी बहुत मस्ती बहुत जरूरी है उड़ा लीजिए उड़ाने के लिए है ना कुछ और नहीं मिलता तो मजाक उड़ा लिया जाए अगला क्या क्वेश्चन जल्दी से जवाब दीजिए इसका जवाब दे रहे हैं आप लोग हाँ बिल्कुल हाँ झारखंड सरकार विधवाओं के लिए जो है ना भीमराव अंबेडकर आवास योजना चालू की है कौन सा भीमराव अंबेडकर आवास योजना सही जवाब है आप लोगों का भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी पढ़ रहा था मैं थोड़ा सा देखा था सोचिए हम लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है घर में या समाज में या दोस्तों के बीच भेदभाव हो जाता है हम लोग डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं हम लोग अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कभी कभी हो जाते हैं ये बंदा पूरा बचपन से जवानी क्या जॉब लग गया तब तक में पूरी तरह से बाइकआउट करके रखा गया उसके बाद इंदर अंदर की इच्छा शक्ति इसकी देखिए क्या नहीं पढ़ा समझिए सबसे ज़्यादा विद्वान के है ना संविधान पूरा देश का संविधान बनाना इसके हाथ में दे दिया गया इतनी योग्यता धारण करना चाहिए इसीलिए जो है ना मैं बोल रहा हूँ जो मजाक उड़ाने वाली जो बात हो रही है मजते मज़ाक ठीक है लेकिन उससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए मुझे तो फर्क नहीं पड़ता है मैं तो एंजॉय कर लेता हूँ या तो इग्नोर कर लेता हूं या तो एंजॉय कर लेता हूं या तो इग्नोर कर लेता हूं ठीक है तो, तो भीमराव अम्बेडकर वाली सही जवाब है अगला आसूर साइट आर नॉट लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट साइट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस फाउंड इन झारखंड जल्दी शरीद केला खूंटी तोला अच्छा इधर शरीद केल खूंटी तोला कुंजला ईटागढ़ असुरा साइट झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व का स्मारक स्थलों में से कौन सा इलाका में स्थित नहीं है चलिए जल्दी से बताएंगे इसका जवाब तो ये जो है आपका ईटागढ़ ईटागढ़ इलाका में ईटागढ़ इलाका में जो है ना राष्ट्रीय महत्व का स्मारक स्थल का कौन सा इलाका में स्थित नहीं है आसूरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व स्मारकों स्थलों में से कौन से इलाके में स्थित नहीं है तो शरीद केल खूटी तोला कुंजला ये सब में तो है ईटागढ़ ये एरिया में नहीं है ठीक है असुर आसूर लोगों के लिए बात कर रहे हैं असुर जहाँ तक फैले हुए उसके हिसाब से असुर ही है जो कि लोहे को पिघलाकर या भवन बनाकर आजीविका प्राप्त करते थे झारखंड के कुल कितने सिंचित क्षेत्र भागों पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है बताइए झारखंड के कितने सिंचित क्षेत्रों पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है जल्दी से जवाब देंगे हाँ सही है बिल्कुल अंकिता सही है अरुण बाबू गलत हो गए बिल्कुल पवन कुमार सही है दान सिंह चहल सही है एलोन गर्ल बिल्कुल सही पवन कुमार सही है सोनी कुमार सही है चलिए अब यहाँ तीस नंबर का बताइए एक सौ तीन नंबर का थर्टी पॉइंट वन सेवन इज द राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है थर्टी पॉइंट वन सेवन थर्टी पॉइंट वन सेवन इज द राइट आंसर ठीक है थर्टी पॉइंट वन सेवन अगला सवाल ले लेते हैं नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होती है नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होती है जल्दी से बताएंगे जितना जल्दी बताएंगे तो सबसे ज्यादा नहरों द्वारा जो है आपके सिंचाई जो होती है वो आपके सिंहभूम क्षेत्र में होती है कौन से क्षेत्र में सिंहभूम क्षेत्र में नहरों के द्वारा होती है सही जवाब है अगला सवाल क्या है झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है अगर मुख्य साधन पूछ लिया जाए तो क्या होगा हाँ सिंहभूम बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है हाँ नहीं हुआ है क्या कोई नहीं है नहीं हुआ बताओ कोई है बायोडाटा भेज दो नहीं तो हम हम भेज देते हैं एड्रेस दे दो गजब है यार दम पढ़ने आए कि क्या करो मतलब क्या बोला जाए चलिए झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है तो कुआं सबसे मुख्य साधन है कुआं सबसे मुख्य साधन है अब शादी हुआ कि नहीं हुआ ये हम आपको बताए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शादी या फेयर यही सब पूछिए आप लोग मास्टर जी से अब तो कोई वो डरे भय नहीं रह गया है बताओ बताइए हम लोग कॉमन क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन जो जो किताब में जो क्वेश्चन होता था ना जो सवाल एग्जाम में आने वाले होते थे मास्टर जी से वो भी पूछने में डर लगता था क्योंकि हम लोग के मास्टर जी पहले चार साफ मारते थे उसके बाद बताते थे ये भी नहीं बना तुमसे धड़ाम धुड़ दिए उसके बाद बता भी देते थे आप लोग तो कुछ पूछ लेते हैं नहीं ब्लस नहीं कर रहे हैं हम चोलिए ये भी ही हुआ ठीक है आएगा कौन सा सीजियल में आएगा रंजीत सर का शादी हुआ कि नहीं बताइए गजब है गुमला में चलिए ठीक है झारखंड में किस जिले में कुआं से सर्वाधिक सिंचाई होता है है ना सर्वाधिक सिंचाई गुमला में झारखंड में किस जिले में कुआं में सर्वाधिक सिंचाई होता है तो यह गुमला में सही है और तालाब से सबसे ज्यादा किसमें होता है चलिए अगला शायद सवाल में आ जाएगा कुआं द्वारा सिंचाई की दृष्टि से झारखंड में गुमला के बाद किस जिले का दूसरा स्थान है जल्दी से बताओ हाँ जी हाँ जी पागल लोग चलो कुआ द्वारा सिंचाई की दृष्टि से झारखंड में गुमला के बाद कौन सा किसका स्थान आ जाता है तो ये गिरिडीह गिरिडीह द राइट आंसर चलिए अगला सवाल पूछ लेते हैं अगला सवाल पूछ लेते हैं सबसे ज्यादा कुआं से जो होता गुमला फिर उसके बाद गिरिडीह झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है जल्दी से हाँ बिल्कुल सही है आपका ज़िला झारखंड के किस जिले में तालाब के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है तो ये तो बाबा की नगरिया है ना बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर इज द राइट आंसर अगला सवाल ले लेते हैं झारखंड के कुल कितने सिंचित क्षेत्र भागों में नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है नलकूप के द्वारा 10.4 परसेंट 9.05 परसेंट 8.4 परसेंट 7.10 परसेंट नलकूप के द्वारा झारखंड में जो होता है ना लगभग कमी होता है ट्यूबवेल के द्वारा 8.4 परसेंट लगभग बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का हाँ देवघर बिल्कुल बाबा नगरी बिल्कुल सही है है ना अपना अच्छा पवन देवघर से हैं बहुत बढ़िया एट पॉइंट फोर इज आंसर बिल्कुल सही है एट पॉइंट फोर है ना नलकूप से लगभग इतना ही होता है अगला सवाल नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होती है नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होती है रांची पलामू लोहरदगा कोडरमा नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होती है रांची पलामू लोहरदगा कोडरमा तो यह होगा नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपके कोडरमा के इलाके में होता है किसमें होता है कोडरमा के इलाका बिल्कुल सही जवाब है आपका डी द राइट आंसर अगला हो चलिए ये तो जवाब ही आ गया झारखंड के कुल सड़सठ हजार तीन सौ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई पाइप द्वारा की जाती है इस साधनों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में किया जाता है पाइप द्वारा हाँ ठीक है हाँ तो ये पलामू क्षेत्र डी पाइप द्वारा जो है सबसे ज्यादा है इतना हेक्टेयर भूमि का सिंचाई किया जाता है साधनों से सर्वाधिक सिंचाई इस साधन से पाइप से सर्वाधिक होता है पलामू के एरिया में अगला सवाल ले लेते हैं क्या है दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? बताइए ये जवाब तो सब दे देंगे दामोदर घाटी परियोजना की सिंचाई बताइए कब की गई थी जल्दी बताइए लोहरदा का बताया था क्या चीज में भाई पाइप से नहीं पाइप से नहीं बताया होगा चेक कर लीजिए एक बार ठीक है पाइप नहीं बताया था हाँ हाँ तो 1948 1948 में जो है दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार किया गया था सेलवेसी घाटी योजना टेनेंसी घाटी योजना वेवेल घाटी योजना सभी हाँ जी वही नलकूप लोहरदगा है एक बार चेक कर लीजिएगा मैं भी देख लेता हूं इधर ठीक है टेनेंसी टेनेंसी इज द राइट आंसर बिल्कुल टेनेंसी घाटी योजना सही है अगला सवाल ले लेते हैं क्या है अगला दामोदर नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है रांची बोकारो धनबाद दुमका डीवीसी जो है परियोजना किस जिले में स्थापित है आ, याद आ रहा है ठीक ठीक बोले वो ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया था सही बताएं चलिए कोई बात नहीं दन्बाद, दन्बाद सी अगला सवाल ले लीजिए दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है डीवीसी का मुख्यालय कहाँ है <coughs> डीवीसी का मुख्यालय कहां है जल्दी से बताएंगे ठीक बोल रहे हैं। तो मुख्यालय जो है इसका कोलकाता बिल्कुल सही जवाब है कोलकाता कोलकाता इज द राइट आंसर अगला सवाल पांच सेकंड का समय आपको जवाब देने के लिए दिया जाता है उसके बाद आंसर डायरेक्ट क्लिक कर रहे हैं हम पांच सात सेकंड का कोलकाता इज द राइट आंसर चलिए अगला दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितना बांध है कितने डैम है दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने डैम है हाँ हाँ, आठ डैम है बिल्कुल आठ डैम है और ये आठ डैम में चार डैम से बिजली उत्पादन चालू है और चार डैम अभी निर्माणाधीन है मतलब कि उसमें बिजली उत्पादन शुरू नहीं हुआ है डैम तो बन गया है कोनार बांध कब और किस नदी पे बना कोनार बांध जल्दी बताइए कब और किस नदी पे बना कोनार बांध कोनार डैम सही जवाब आप लोगों का तो कोनार बांध जो है बोकारो नदी पे बना है 1955 में कब बना है 1955 में बोकारो नदी पर जल्दी से पंचेत पहाड़ी बांध किस नदी पर अवस्थित है स्वर्णरेखा दामोदर उत्तरी कोयल म्यूराक्षी पंचेत पहाड़ी बांध बिल्कुल सही जवाब पंचेत पहाड़ी जवाब जो है पंचेत पहाड़ी आपका दामोदर नदी का आठ बांधों में से है ना स्थित है पंचेत पहाड़ी बांध चलिए अगला सवाल ले लेते हैं बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है बाल पहाड़ी कोयल अजय बराकर मयूराक्षी जल्दी से बताएंगे बिल्कुल तो बाल पहाड़ी जो है ना बस बाल बस बराकर बाल जो है ना बड़ा हो रहा है बराकर रिवर पे ठीक है चलिए अगला सवाल ले लेते हैं बेरमो और अय्यर बांध किस नदी पर है बेरमो और अयर बांध बेरमो एंड अयर बांध जल्दी से जल्दी बताइए तो बेरमो और अयर बांध आपके दामोदर नदी पे है ना बेरमो अयर स्वनरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की, की गई थी स्वर्णरेखा नदी घाटी की परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की, की, की गई थी उन्नीस सौ अस्सी इक्यासी इक्यासी बिरासी बेरासी तेरासी चौरासी पचासी सही है जवाब बिल्कुल सही जवाब दीजिए जवाब सही आ रहा आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पे एटी टू एटी थ्री है ना रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो है ना जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है खर या आके टाटा में मिलती है जमशेदपुर में मिलती है रेखा से चलिए अगला सवाल ले लेते हैं झारखंड की कौन सी परियोजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है झारखंड की कौन सी परियोजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलिया चलाई जा रही है तो झारखंड की जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी परियोजना जो है इसमें वर्ल्ड बैंक का भी हेल्प मिल रहा है किसका वर्ल्ड बैंक का भी हेल्प मिल रहा है अगला सवाल ले लेते हैं क्या है स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है ये तीन राज्यों की परियोजना है ठीक है झारखंड बंगाल और उड़ीसा स्वर्णरेखा परियोजना क्या है बहुदेशीय परियोजना है जल विद्युत परियोजना है सिंचाई परियोजना है बाढ़ नियंत्रण परियोजना है बिल्कुल सही है हाँ जी तो यह बहुत देशीय परियोजना है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है यह मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है अगला सवाल क्या है चांडेल डैम किस नदी पर है चांडेल डैम जो है वह किस नदी पे है सोन कोयल दामोदर सोनरेखा चांडेल डैम किस नदी पर स्थित है तो यह रेखा नदी पर है समझ गए सोन नदी जो है आके गंगा में दानापुर के सामने मिलती है चलिए अगला सवाल झारखंड के कुटकू नामक स्थान पर किस परियोजना के तहत बांध और विद्युत गृह का निर्माण किया जा रहा है कुटकू नामक स्थान पर किस परियोजना के तहत बांध और विद्युत गृह का निर्माण किया जा रहा है कोयल कारो परियोजना उत्तरी कोयल परियोजना राम रेखा जलाशय परियोजना नकटी जलाशय परियोजना जल्दी से बताइए तो ये जो है आपका उत्तरी कोयल परियोजना है ना बांध और विद्युत गृह का निर्माण जो झारखंड के कुटकु नामक स्थान पर जो है ना उत्तरी कोयल अगला अगला सवाल ले लेते हैं मयूराक्षी परियोजना किन दो राज्यों के संयुक्त परियोजना है मयूराक्षी परियोजना कौन से दो राज्य का परियोजना है झारखंड बिहार झारखंड में उत्तर प्रदेश झारखंड पश्चिम बंगाल बिहार में पश्चिम बंगाल तो आपका झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है ये ठीक है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल चलिए अगला सवाल कनाडा बांध किस नदी पर बनाया गया है दामोदर स्वनरेखा संख मयूराक्षी कनाडा बांध जो है कनाडा बांध दामोदर स्वनरेखा संख म्यूराक्षी तो कनाडा बांध आपके म्यूराक्षी रिवर पर बनाई गई है किस रिवर पर मयूराक्षी रिवर अगला झारखंड में तिलपारा और रोधक बांध का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया जा गया है हाँ झारखंड में तिलपारा और रोधक बांध का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है तो ये आपका मयूराक्षी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है है ना मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत ठीक है ये जो है इंग्लिश में क्वेश्चन ही दूसरा दे दिया है टेंशन मत लीजिएगा इसके लिए ये मयूराक्षी प्रोजेक्ट के में तिलपारा और रोधक बांध किसके तहत मयूराक्षी प्रोजेक्ट थी के अंतर्गत झारखंड में कोनार सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है झारखंड में कोनार सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है हजारीबाग देवघर रांची सिमडेगा हजारीबाग देवघर रांची सिमडेगा जल्दी से बताएंगे तो यहां पे जो है कोनार सिंचाई परियोजना का जो है किसमें क्या हजारीबाग ठीक है कोनार सिंचाई परियोजना का निर्माण जो है कहाँ पे किया जा रहा है हजारीबाग में अगला सवाल क्या है झारखंड में किस जलाशय परियोजना का निर्माण सिमडेगा जिले के उत्तल नाले के पास किया जा रहा है रामरेखा अजय बहराज पुनासी कन्हार बिल्कुल सही हजारीबाग सही है तो ये रामरेखा ठीक है ना, राम रेखा जलाशय परियोजना का निर्माण सिमडेगा में किया जा रहा है अगला सवाल अजय बैराज परियोजना झारखंड के किन जिलों में स्थित है अजय बेराज, अजय बैराज बैराज परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है गिरिडीह हजारीबाग रांची पलामू दुमका देवघर सिमडेगा जल्दी से तो यह जो है आपके अजय बैराज परियोजना झारखंड के किस जिले में है तो दुमका देवघर दुमका और देवघर अजय बैराज परियोजना सही है अगला सवाल ले लेते हैं झारखंड के पलामू जिले के पाकी प्रखंड की अमानत नदी किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है झारखंड के पलामू जिले के पाकी प्रखंड अमानत नदी पर किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है अच्छा एक मिनट पीछे का सी दे रहे जवाब आप हाँ ठीक है बिल्कुल सही है पलामू के पाकी प्रखंड का अमानत नदी पर किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है अमानत बैराज परियोजना अजय बैराज परियोजना पुनासी जलाशय परियोजना कोनार सिंचाई परियोजना तो इसमें कौन सा होगा तो यहां अमानत बैराज परियोजना इज द राइट आंसर अमानत बैराज परियोजना बिल्कुल सही है अगला सवाल ले लेते हैं सही है चलिए झारखंड के ऊपरी संख जलाशय परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है ऊपरी संख जलाशय परियोजना से सबसे ज्यादा लाभ किस जिला को मिलता है लोहरदगा गुमला कोडरमा सराय के ला खरसावा तो गुमला सबसे ज्यादा लाभान्वित संख जलाशय से ठीक है अगला सवाल झारखंड में कौन सी जलाशय परियोजना गढ़वा जिले के बारीडी ग्राम में प्रस्तावित है झारखंड में कौन सी जलाशय परियोजना गढ़वा जिले के बारीडी ग्राम में प्रस्तावित है मयूराक्षी परियोजना कन्हर जलाशय परियोजना पंचखेरो जलाशय परियोजना सोनवा जलाशय परियोजना बिल्कुल सही है सोनी कुमार पवन आनंद कुमार प्रसाद जी हम्म आशीष सही है तो यह है आपका कन्हर जलाशय योजना जो है पर गढ़वा जिले के बारीडी ग्राम में प्रस्तावित है कन्हर जलाशय परियोजना ठीक है अगला सवाल झार राज्य में जल निधि योजना का आरंभ कब किया गया जल निधि योजना का आरंभ कब किया गया चौदह पंद्रह पंद्रह सोलह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस तो ये जो है पंद्रह सोलह में जल निधि योजना आरंभ किया गया था राज्य में निरांचल वाटर सेट योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में चलाई जा रही है छत्तीसगढ़ में झारखंड में बिहार में या सभी में निरांचल वाटर सेड योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में चलाई जा रही है छत्तीसगढ़ में झारखंड में बिहार में या सभी में सही जवाब ठीक है तो यह वाटर सेड योजना जो सभी जगह चल रहा है यह सारे स्टेट में चल रहा है वाटर सेड नीलांचल जल वितरण हेतु जो है जल की सुविधा हर जगह पहुंचाने के लिए इस को जो है छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार सभी सभी जगह ठीक है एक केंद्रीय योजना के तहत चलाई जा रही है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो है जल क्रांति अभियान झारखंड में जल क्रांति अभियान किस वर्ष शुरू किया गया जल क्रांति अभियान किस वर्ष शुरू किया गया तो झारखंड में जल क्रांति अभियान जो चालू किया गया कौन से साल में वर्ष दो हजार पंद्रह सोलह सॉरी ग्यारह से पंद्रह सोलह सत्रह पंद्रह सोलह इनमें से कोई नहीं जल क्रांति अभियान वर्ष दो हजार ग्यारह पंद्रह सोलह सत्रह पंद्रह सोलह इनमें से कोई नहीं नल जल योजना तो बिहार में चल रहा है ना वो दूसरा है जल क्रांति अभियान झारखंड में तो ये दो हजार पंद्रह सोलह में सी इज द राइट आंसर पाँच सेकंड का जवाब आप स... गैप दिया जाता है आपके सवाल के जवाब के लिए झारखंड में जल क्रांति अभियान के अंतर्गत कितने गांवों को आरंभ में चयनित किया गया झारखंड में जल क्रांति अभियान के अंतर्गत कितने गांवों को आरंभ में चयनित किया गया था बीस चालीस पैंतालीस अड़तालीस जल क्रांति अभियान के अंतर्गत कितने गाँव को आरंभ में चयनित किया गया था तो ये अड़तालीस समझ गए अड़तालीस इज द राइट आंसर फोर्टी एट अगला निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है धनबाद फोर्टी थ्री पॉइंट एट प्रतिशत भाग तालाब द्वारा सिंचाई होती है यहाँ पे हाँ जी एक बात तो है कि झारखंड का जीएस जब पढ़ते हैं ना तो ज्यादातर कुछ जो कॉन्सेप्ट वाली कुछ कहानियां को छोड़ दिया जाए तो आ, फैक्ट वाली बातें बहुत है थोड़ा सा मेहनत आपको इसलिए करना पड़ता है और यहाँ इसीलिए नंबर भी उठ जाते हैं नंबर भी अच्छे खासे उठते हैं धनबाद में फोर्टी थ्री पॉइंट एट परसेंट भाग पे तालाब द्वारा सिंचाई की होती है हजारे बाग में नाइन पॉइंट फोर परसेंट भाग पर नलकूप द्वारा सिंचाई होती है है ना ये जो है ये तो ठीक है धनबाद वाला इलाका में तालाब द्वारा है ना देवघर गिरिडीह के बगल में है तो उस एरिया की बात कर रहे हैं हजारीबाग में नलकूप के द्वारा यह भी सही है ठीक है तालाब को आधुनिक युग का कुआं कहा जाता है ये कहाँ पढ़े नहीं जैसा तो नहीं पढ़े हम, ठीक है तो ये तो सीधा रॉन्ग आंसर है ये गलत ठीक है सी भी है यहां पे भी रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस धारा के कारण अलग हुए हैं रांची पठार को हजारीबाग पठार से कौन बांटा है जल्दी से बताइए किस धारा से अलग हुआ ये ये जवाब तो आप लोगों को आना चाहिए रांची पठार हजारी दामोदर घाटी के द्वारा दामोदर नदी के द्वारा बांटा गया अगला सवाल का जवाब ले लेते हैं हजारीबाग के पठार की ऊंचाई कितनी है बिल्कुल सही है हजारीबाग के पठार की ऊंचाई कितनी है लगभग लगभग हजार फीट है ना? हजार से एक हजार एक हजार पांच फीट लगभग लगभग डी इज द राइट आंसर अगला सवाल ले, ले लेते हैं झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है सेवेंटी नाइन सेवन वन फोर आप लोगों को पता होगा कितना 79714 नाइन 79, सेवन वन फोर सेवेंटी नाइन सेवन वन फोर वर्ग किलोमीटर अगला सवाल झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है ये तो आप लोगों को पता है या सभी को पता है चलिए अगला सवाल पांच राज्यों से लगती है गुंडवाना युगिन चट्टानों की प्रधानता दामोदर घाटी और डैश घाटी में है गुंडवाना युगीन चट्टान जो है यह प्रधानता दामोदर घाटी के कहां पे मिलती है औरंगा और घाटी औरंगा और घाटी में मिलती है दामोदर घाटी और औरंगा घाटी में गुंडवाना युगिन चट्टान आपके झारखंड में मिल रहा है ठीक है अगला सवाल दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है लोहा अबरक यूरेनियम कोयला किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए दामोदर घाटी आपके कोयला के लिए प्रसिद्ध है है ना कोयला के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है सही है यूरेनियम के लिए कौन सा एरिया प्रसिद्ध है जादूगोड़ा अभ्रक के लिए अभ्रक के कौन सा एरिया प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए कोडरमा लोहा के लिए आपका कौन सा एरिया प्रसिद्ध है सिंहभूम का इलाका ठीक और कोयला के लिए झरिया का इलाका अगला सवाल बताइए हाँ जी झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का ना पाया जाना क्या सिद्ध करता है यह हमेशा समुद्र तल से क्या रहा ऊंचा रहा है समुद्र तल के निकट है समुद्र तल पे रहता है तो कुड़प्पा क्रम की चट्टाने भी पाई जाती है तो ये जो है समुद्र तल से हाइट पे रहा चलिए अगला सवाल ले लेते हैं कुल्हान संघ को झारखंड के किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है कुल्हान संघ को झारखंड के किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है कुड़प्पा गुंडवाना बिंध्यन धारवाड़ कुड़प्पा गुंडवाना बिंध्यन धारवाड़ क्या होगा कुल्हान संघ के छात्र संघ को जो है झारखंड के किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है कुड़प्पा त्रेनी के नाम से कुड़प्पा एरिया अच्छा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है रुकिए एक मिनट एक मिनट ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है धाड़वाड़ इलाका धाड़वाड़ क्षेत्र ये देख लीजिएगा चलिए हो गया था किस महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी जल्दी से बताएंगे ठीक है सही है सही है हाँ बताइए किस महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी तो आपकी यह जो है नूतन जीवी महाकल्प नूतन जीवी है ना नियोजीवी केरा नूतन जीवी महाकल्प डी इज द राइट आंसर चलिए अगला सवाल ले लेते हैं डी इज द राइट आंसर अगला सवाल क्या है झारखंड में किसकी या प्रदन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइड का निक्षेपण हुआ बॉक्साइड की मात्रा किसमें पाई जाती है जल्दी से बताएंगे तो बॉक्साइड की मात्रा पाया जाता है किसमें लेटेराइट के निक्षेपण से भी प्राप्त होता है लेटेराइट वगैरह में भी हाँ जी अगला सवाल ले लेते हैं निम्न में से कौन सा मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है निम्न में से कौन सा मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है जूरेसिक टेशियस कैम्ब्रियन, ट्रियासिक जुरैसिक क्रिटेशियस कैम्ब्रियन, ट्रियासिक। जल्दी से बताएंगे तो ये जो है ना क्रिटेशियस जो है मध्य जीव जीवी महाकल्प का अंग नहीं है बाकी जूरेसिक कैम्ब्रियन या ट्रियासिक तो आ ही जाता है है ना पार्ट ऑफ हाँ मध्य जीवी महाकल्प तो दिस वन इज द राइट आंसर अगला सवाल ले लेते हैं अगला क्या है झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां किस काल के पर्वत है उत्तर में मध्य में और दक्षिण पूर्व में जो अवशिष्ट जो है ना अवशिष्ट का मतलब क्या हो जाए रेसिडुअल माउंटेन द रेसिडुअल हिल लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एंड साउदर्न कोस्टर्न पार्ट ऑफ द झारखंड बिलोंग टू तो विच पीरियड तो ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड से बिलोंग करेगा किससे अच्छा एक सौ पचास से बढ़ गए हैं चलिए दस क्वेश्चन और कर लेते हैं एक सौ साठ तक कर लेते हैं क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत है बहुत है लगातार हम लोग अभी तक पाँच घंटे भी करेंगे तो कम नहीं होगा क्वेश्चन है हम आप एक सौ साठ तक कर लेते हैं ठीक है खुशबू और आठ क्वेश्चन तो प्री कैम्बरियन इज द राइट आंसर है ना उत्तरी मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में जो अवशिष्ट रेसिडुअल माउंटेन है ना रेसिडुअल माउंटेन का मतलब बड़ा माउंटेन घिसते 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 जो छोटा माउंटेन बन जाता है उसको रेसिडुअल कहते हैं तो प्री कैम्ब्रियन एरा में ये फॉर्मेशन हुआ है अगला डैश फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से डैश में अलग करती है समोच्च रेखा कंटूर लाइन जो बोला जाता है ना कंटूर लाइन कंटूर लाइन जो जियोग्राफी को मैप के द्वारा बताता है कंटूर लाइन ठीक है तो कितना सेपरेट झारखंड और बिहार के मैदान को अलग करती है कितने फीट की अंतर होता है तो ये पाँच फीट का अंतर है फाइव हंड्रेड फीट फाइव हंड्रेड फीट अगला झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है सबसे पश्चिम में और सबसे ऊंचाई वाला भाग पश्चिम में सबसे ऊंचाई वाला भाग कौन सा होगा सर ये सब क्यों कल हुआ था हाँ बोला तो था पिछले एक सप्ताह में जो भी हुआ था उसका रिवीजन करेंगे आज के दिन हाँ बस और मात्र छः क्वेश्चन करेंगे सोनी बस उसके बाद हम लोग आज के लिए स्टॉप करेंगे ठीक है तो ये जो पाठ प्रदेश पाठ क्षेत्र जो है ना पाठ बिल्कुल पाठ बिल्कुल पश्चिमी और पश्चिमी पाठ कौन सा गुमला का इलाका में आपको मिलेगा ठीक है टाड़ सबसे ऊंचा इलाका बोला जाता है दोन जो है नीचा इलाका घाटी इलाका में संप्रदाय मैदानी इलाका ये सारे चीज़ जान लेकर जान के रखिएगा अगला सवाल ले लेते हैं पाट प्रदेश का विस्तार किस जिले में है नहीं है सॉरी नहीं है पाट प्रदेश मतलब प्लेन एरिया तो, तो साहेबगंज पलामू तो है गढ़वा लोहरदगा इस सब में तो प्लेन एरिया है साहेबगंज आपका राजमहल हिल का इलाका पड़ जाता है ठीक है राजमहल हिल का तो लेकिन इसको थोड़ा ऊपर में चले जाएगा साहेबगंज का तो गंगेटिक मैदान का थोड़ा सा हिस्सा थोड़ा सा मिल जाता है गंगा वहां से पार होती है ठीक है अगला सवाल अगला सवाल क्या है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ निम्न में से किसके अंतर्गत आती है पारसनाथ राजमहल की पहाड़ियां नहीं रांची का पठार नहीं हजारीबाग का पठार नहीं तो ये थोड़ा सा बाहर चले जाता है तो ये है आपका बाहरी छोटा नागपुर छोटा नागपुर से थोड़ा बाहर ना गिरिडीह में पाई जाती है गिरिडीह जिला में पड़ता है तो ए इज द राइट आंसर अगला सवाल ले लेते हैं निम्न में से किसका निर्माण लावा से हुआ है राचा का रांची का पठार हजारीबाग का पठार छोटा नागपुर का पठार राजमहल की पहाड़ियाँ जल्दी से बताइए किसका निर्माण लावा से हुआ है तो राजमहल की पहाड़ियाँ जो है ना जो ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है बाद में हाँ वही तो राजमहल की पहाड़ी इधर द राइट आंसर बिल्कुल सही है वो लावा से निर्मित हुआ है और बाकी रांची हजारीबाग छोटा नागपुर तो ये तो जो है आपका एक तरह से अपलिफ्ट हुआ है अपलिफ्ट होने की वजह से जो प्लेटू वगैरह जो बनता है अगला सवाल राजमहल की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है हाँ अभी जस्ट इसी का बात किया राजमहल की पहाड़ियाँ कौन से एरिया में आता है संथाल कोल्हान चावासा और छोटा नागपुर तो अभी जस्ट बात किया यह संथाल क्षेत्र में आता है संथाल परगना अगला सवाल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है वट इज द हाइट ऑफ जलप्रपात तो हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई जो है 73 मीटर है ठीक है ना रांची जिले में जो पड़ता है आपका कितना 73 मीटर है अगला सवाल निम्न में से क्या झारखंड में बिंदु युगिन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है निम्न में से क्या झारखंड में बिंदु युगिन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है कोयला तांबा लोहा चूना पत्थर तो चूना पत्थर इज द राइट आंसर चूना पत्थर बिल्कुल सही जवाब होगा है ना झारखंड में बिंद युगिन चट्टानों से क्या मिलता है चूना पत्थर मिलता है अगला सवाल और हाँ हो गया चलिए आज इतना ही रहने देते हैं बिना धन एरिया में रोहतास वगैरह के एरिया तक भी फैला हुआ है सब ठीक है तो चूना पत्थर इधर आठ सर तो आज इतना रहने दिया जाए थक गए होंगे आप लोग जवाब दे देखिए पलामू में अरे अभी कोर्ट नहीं गए क्या अभी अच्छा कोर्ट पहुंच के वहीं पे से जवाब दे रहे हैं <laughs> चलिए बहुत बढ़िया है ना डेडिकेशन आपका दिखता है बहुत अच्छा पॉजिटिव डेडिकेशन है अच्छा लगा है ना चलिए रहने दे देते हैं थैंक यू सो मच हाँ हम एफर्ट आपके एफर्ट के ऊपर ही लगाते हैं आज शाम का क्लास तो मतलब कि नहीं होगा आज लेकिन आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैंने जैसे बताया आज भर के लिए मैं बिहार अड्डा पे पढ़ाऊँगा एक बजे से चार बजे तक साइंस आप लोग जुड़िएगा आप लोग के लिए फायदा होगा बिल्कुल इसीलिए फायदा होगा ना कि तीन घंटे में मैं जो है इसी तरह का पूरा मैराथन पिछले एक सप्ताह में जितना भी साइंस पढ़ाया हूँ वो सभी का रिविजन करेंगे है ना दस बजे जाएंगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं अच्छा चले कोई बात नहीं ठीक है अब कब है आपका क्लास एक बजे से एक बजे से आइएगा एक से चार आज ही के दिन में एक से चार दोपहर में और कल जो है आठ से दस जो है आठ से दस ए एम में जो होगा एक सप्ताह का करंट अफेयर लेकर आऊंगा आऊँगा संडे का संडे लेकर आता हूँ साप्ताहिक करंट अफेयर साप्ताहिक है ना करंट अफेयर और जो और दूसरी बात है ये जो क्लासेस जो चलती है रोज आठ बजे से क्लासेस चलती है मंडे टू फ्राइडे आठ बजे से आठ से नौ जो चलती है झारखंड स्पेशल का चलता है शाम में छः से सात भी झारखंड स्पेशल ही चलेगा ठीक है एक में थ्योरिटिकल करते हैं एक में एक कुछ एम करते हैं कभी कभी चेंज हो जाता है और रात में नौ से दस जो है पी में जो है ये साइंस स्पेशल चलता है वो भी झारखंड चैनल पर ही साइंस स्पेशल ठीक है तो ये सारी बातें हैं इसके साथ ही आप लोगों को एक बात और भी बता दूं कि झारखंड महापैक का सेल हो रहा है तो झारखंड महापैक सेल के तहत मात्र नौ में मिल रहा है वाई एट जीरो टू कोड यूज करने से उससे अगले दो साल के किसी भी एग्जाम में झारखंड के किसी एग्जाम में भी आप जो है ना उसकी कोचिंग ले सकते हैं क्लासेस ले सकते हैं उसके लिए फिर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे है ना जितने भी एग्जाम निकले हैं जितने अगले दो साल में कुछ भी निकलेंगे सबके लिए एलिजिबल होगा ये टू साल वारं डबल वारंटी वाली बात हो जा रही है साइंस का भी रिविजन क्लासेस होगा क्या एक बजे हाथ सोनी एक बजे होगा यह मिक्स होगा ऋतुपर्णा यह मिक्स होगा साइंस बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिक्स टाइप का होगा एक्चुअली कल जो है ना कल बिहार सी वाले का मेंस है तो मैं तो झारखंड पे आ गया था आप लोगों को पढ़ाने के लिए पहले बिहार में ही था तो बिहार में कुछ दिन के लिए किया था तो बोले कि भाई वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा रैपिड एक्शन की तरह थोड़ा सा करवा दीजिए मैं बोला चलो कोई बात नहीं बिहार पे है बिहार अड्डा पे जुडिशियरी के लिए नहीं जुडिशियरी के लिए नहीं अंकिता ताज के लिए नहीं बिहार ज्यूडिशियरी ड्यूडिशियरी अलग हो जाता है ना जेएसएससी जिसका जिसका लेता हो जेएसएससी जिसका जिसका लेता हो उसका और जेपीएससी के पीटी का ये दोनों का ज्यूडिशियरी तो अलग हो जाता है ना जेपीएससी लेता होगा ज्यूडिशियरी ना हम्म चलिए तो ठीक है फिर मिलते हैं हम लोग 1 बजे आज के दोपहर में और फिर कल मिलेंगे सुबह आठ से दस करंट अफेयर के लिए फिर सोमवार से तो फिर से वही हम और आप ठीक है चलिए बहुत बहुत चला गया नौ सौ निन्यानवे में जुडिशियरी क्या पीएचडी कर लो <laughs> कोई बात नहीं ठीक है ज्वाइन कीजिए आप लोग क्लासेस क्योंकि उससे जो बैच बनेगा उलगुलान और महापैक वाला जो बैच बनेगा उसमें जो है पूरी तरह से डिटेल और पेड बैच के रूप में थोड़ा समझ रहे हैं प्राइवेट कोचिंग के रूप में ही अलग से होगा वैसा कोई कमी नहीं रहती है कहीं पर थैंक यू थैंक यू वेरी मच फिर मिलते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच